With your applause, I would like to welcome on stage Sir Mohammad Akram. Thank you all for coming today, and thank you to Usman and the Dramatics Club for arranging this workshop. I'm not sure if everyone has a background of filmmaking or not, but since you guys are here, so I'm assuming that everyone is into making films and is into understanding what script writing is. So as I think we only have 50 minutes, is that right? So I'll just take it. So I'll just get right into it. I don't want to start off with the introduction and everything else. जब आप कहते हैं कि हमें राइटर्स ब्लॉक होते हैं, हमसे लिखा नहीं जाता, हमें समझ नहीं आती कि आइडिया कहाँ से आए, हम किस चीज़ के ऊपर लिखें, हम स्क्रिप्ट क्या बनाएं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज लाइक उस्मान सेड, ऑब्जर्व. अ वेरी गुड स्क्रिप्ट राइटर इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर. हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग ऑब्जर्वेंट नहीं होते. वी डू नॉट हैव अ नैक फॉर डिटेल्स. हम लोगों को डिटेल्स समझनी चाहिए. वी नीड टू अंडरस्टैंड इसका हेयर स्टाइल इस तरह का क्यों है, ये इसने टांग पे टांग रख के क्यों बैठा हुआ है, वाई इज़ हिज हैंड्स फिंगर्स इंटरमिंगल्ड विद वन अनदर, इसने हाथ यूं करके क्यों बंद किए. वी नीड टू ऑब्जर्व. द मोर यू बिकम ऑब्जर्वेंट, द मोर आइडियाज यू हैव, द मोर यू लुक अराउंड इन योर सराउंडिंग्स. अपने इर्द गिर्द ढूंढो चीज़ें, लोगों से बात करो, रीड स्टोरीज, रीड चिल्ड्रंस की किताब, बच्चों की किताबें. If anyone is familiar with Jack Archer, ठीक है, A Quiver Full of Arrows, it's इतनी सी किताब, it has small short stories, you can pick inspiration out of it. So ideas, I do understand everyone can have a writer's block. हर किसी का दिमाग कभी ना कभी जाके कहीं ना किसी पॉइंट पर जाके बंद हो जाता है, ठीक है. वी आर नॉट एबल टू थिंक, वी आर नॉट एबल टू इलेबोरेट, वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि हम चाहते क्या हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज ऑब्जर्व. Become very observant of your surroundings. Now, what do you observe? Observe people. It's not about observing environment, it's about observing people. Now, why am I stressing upon observing people? Is because every human being is a character. Aur aapka idea nikalta hai aapke kirdaar se, aapke character se. If you do not know your character, you will not be able to come up with a story. In order to understand, in order to know what your character is, who your character is, you have to be observant. मुझे एक as a writer मैंने एक तख्लीक करने है एक किरदार को, ठीक है. I need to shape him up. I need to understand who he or she is. And how will I be able to do that? By observing. हमारे दोस्त होते हैं आपस में, ठीक है. If everyone has a small circle of friends, तीन चार उसमें आपके सबसे पक्के दोस्त होते हैं, आपको पता होता है कि एहसन इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई नो वट एहसन इज़, मुझे पता है उसका किरदार क्या, उसकी शख्सियत क्या, वो कपड़ा किस तरह का पहनता है, वो बातें किस तरह की करता है, उसकी सोच किस तरह की है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, वो खाना किस तरह का खाता है, ठीक है. आई नीड टू नो एज अ राइटर, आई नीड टू अंडरस्टैंड वट माई कैरेक्टर इज. आई एम गोइंग टू फोकस ऑन 2 to 3 मेजर थिंग्स इन स्क्रिप्ट राइटिंग. आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू एवरीथिंग because we have less time, but I'm going to focus on the most important 2 to 3 things. One of them is character. Aage jaake wo aayega. But when it comes about ideas, at times, if you have a writer's block, now how do you break that writer's block? You come up with an idea of, do lafz hain, what if? Misal ke taur pe, agar ye ho jaye. What if an asteroid hits the planet? What if dinosaurs come back to life? What if, this is a story. ठीक है, दिस इज एन आइडिया. वट इफ अ स्टूडेंट फाइंड्स एन ऑब्जेक्ट दैट हेल्प्स हिम टेलीपोर्ट फ्रॉम वन क्लास रूम टू अनदर. वट इफ अ लॉट ऑफ वट इफ, यू कैन कम अप विद वट इफ. ठीक है, फॉरगेट अबाउट सिनेमाटोग्राफी. हम लोग एज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्शन में पहले फंस जाते हैं, यार मैं बनाऊंगा कैसे, मेरे पास ये कैमरा नहीं है, मेरे पास ऑडियो नहीं है, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, फला नहीं है. फॉरगेट अबाउट दैट, जस्ट थिंक एंड फोकस ऑन योर आइडिया कि आप बनाना क्या चाह रहे हो. What is it that you want to achieve? What is it that you want to give out to your audience? क्या चाहते हो कि जब वो आपकी फिल्म देखें तो उनको क्या फील हो? What information, what knowledge will they gather out of it? So you start off with what if. If you ever reach a writer's block, you start off with a what if. What if I become a millionaire? ठीक है, there is a lot of what if films. आपकी Armageddon is a what if film. 2012 is a what if film. बहुत सारी आपकी फिल्म्स हैं जो what if के ऊपर बेस्ड हैं. So you start off with what ifs. If you ever face a writer's block, then articles, books, newspaper के अंदर कभी कभार जो आपके अखबार होते हैं, जो हम कहते हैं कि यार बड़े सस्ते किस्म के अखबार हैं, ठीक है, you don't have to, you know, get a subscription of it because में news बड़ी ख़राब आती है,
But you can always, as a writer, you can always pick up stories from them because you always have that genre of fiction. तो फिक्शन के अंदर लाजमी नहीं कि फैक्चुअल चीज़ें हों. तो जो अखबार जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो अक्सर आप जब रोड पे जा रहे होते हो इस्लामाबाद पिंडी के मेन छोटी छोटी गलियों में, तो कोई ना कोई बंदा आके आपको पकड़ा रहा होता है, उस अखबार का आपने कभी नाम भी नहीं पढ़ा हुआ होता, बट उसके ऊपर काफ़ी कहानियाँ लिखी हुई होती हैं, काफ़ी स्टोरीज लिखी हुई होती हैं. यू कैन ऑलवेज गेट इंस्पिरेशन आउट ऑफ इट. देन यू हैव बुक्स एंड देन यू हैव आर्टिकल्स एंड देन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू योर सेल्फ. यू कैन गेट आइडियाज़ आउट ऑफ योर ओन लाइफ, आउट ऑफ योर ओन एक्सपीरियंसिस. या हम जितने भी, आई थिंक वी आर 20 or 35 स्टूडेंट्स ओवर हियर, हर किसी की ज़िंदगी में इस एज पे जाके कोई ना कोई छोटा मोटा या बड़ा इंसिडेंट हुआ होगा जिसने आपको इंस्पायर किया होगा. इंस्पायर ना किया, आपकी सोच बदली हो, आपकी सोच ना बदली हो, कम से कम आपके अंदर कोई ना कोई चेंज लेकर आया होगा. दैट वन इंसिडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी वन्स लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू माई एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि एज अ चाइल्ड आई हैड अ वेरी रफ चाइल्डहुड, आई लुक्ड एट डोमेस्टिक वायलेंस इन माई हाउस एंड दिस एंड दैट. सो डू यू नॉट थिंक कि ये चीज़ मेरी शख्सियत के ऊपर अफेक्ट करेगी? येस और नो? इट विल. सो दैट इज़ अ वन मेजर इंसिडेंट. सम ऑफ अस माइट हैव लॉस्ट सम लव्ड वंस. किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, किसी का कोई फौत हो गया होगा, समवन मे बी हैज स्ट्रक गोल्ड, ठीक है, ही अचीव्ड और शी अचीव्ड समथिंग स्पेक्टेक्युलर, ठीक है, दैट इज वन टर्निंग पॉइंट. वी ऑल हैव दैट वन टर्निंग पॉइंट इन आर लाइव्स. सो यू गेट इंस्पिरेशन आउट ऑफ इट, यू गेट आइडियाज आउट ऑफ इट. कि यार, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बुक्स, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू आर्टिकल्स, व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू लुक इनटू माय सेल्फ. मैं बैठ के सोचता हूँ कि अक्रम कौन है, ठीक है ना. वो कहते हैं ना कि वी गेट बाथरूम आइडियाज, वी गेट आइडियाज व्हेन वी टेकिंग अ शावर, वी गेट आइडियाज व्हेन वी आर अबाउट टू स्लीप और व्हेन वी वेक अप. दैट इज द टाइम व्हेन यू गो इनटू एन अल्फा स्टेट, ठीक है. दैट अल्फा स्टेट इज जब भी आप सोने लगते हो, जब भी आप जागने लगते हो, ठीक है. और वेन एवर यू आर इन दैट जोन जहाँ पर आप योर माइंड जस्ट वांडर्स ऑफ, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू गेट आइडियाज. सो यू एज अ स्क्रिप्ट राइटर, एज अ राइटर, यू नीड टू नो के यू नीड टू बी वेरी एक्टिव. आपने अपने दिमाग को हमेशा सोचते रहना है. वट आई डू, मेरा अपना प्रैक्टिस क्या है, वन आई एम ड्राइविंग माई कार, अक्सर मैं इशारे पर खड़ा होता हूँ, मुझे आइडियाज़ आ रहे होते हैं. अब मेरे पास कोई पेन पेपर नहीं, आई कैन नॉट डू एनी थिंग. आई पिक अप माई फोन, वॉइस नोट ऑन किया, उसके बाद मैंने अपना आइडिया रिकॉर्ड कर दिया. यू नीड टू रिकॉर्ड योर आइडियाज, यू नीड टू राइट देम डाउन, मेक छोटे छोटे पॉइंटर्स. ताकि कल को वेन एवर यू सिटिंग डाउन एंड यू राइटिंग अ शॉर्ट फिल्म, यू कैन ऑलवेज गो थ्रू दैट चेक लिस्ट एंड उस लिस्ट में से आप निकाल सकते हो, ओके दिस इज द आइडिया दैट आई हैड, ओके दिस इज द आइडिया दैट आई हैड 2 years ago, 2 months ago. मे बी यू माइट नॉट रिमेंबर दैट आइडिया, बट यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ अ हिंट कि यार, अच्छा यहाँ पे कुछ इस तरह मैं करना चाह रहा था. सो दैट इज़ हाउ यू ब्रेक योर राइटर्स ब्लॉक. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नेक्स्ट इज द थीम. आई एम गोइंग क्विकली स्किप थ्रू दिस, क्योंकि मेरे इंपॉर्टेंट में आपको कैरेक्टर बताना चाहता हूँ. व्हाट इज योर थीम? थीम क्या होता है? व्हाट इज थीम? नोप. व्हाट इज थीम? थीम क्या है? इस क्लासरूम का थीम क्या है? द मेन आइडिया आप कह सकते हो. महरीन, व्हाट Objective, okay. Setting, okay, fine. Anyone else? What is a theme? The baseline of story. शादियों पे जाते ना, एक थीम बनाई हुई होती है ना लोगों ने. बर्थडे पार्टीज पे जाते हो, एक थीम बनाई हुई होती है ना लोगों. What does it do to you? What does it do to the audience? आपको एक फीलर देती है ना वो. It gives you a feeler. It makes you feel कि okay, this birthday party is pink themed, for example. ठीक है, ये red है, ये blue है, whatever. That is the theme color. The color has some sort of an effect on you. So whenever you're making a film, you need to understand आप कौन से thematic areas को touch करना चाहते हो. Is it love? Is it hatred? Is it friendship? Is it relationship? Is it abuse? Is it fiction? Whatever it is, उसका एक theme होना चाहिए. You need to stick to that theme. हमारे पास क्या होता है, हम लोग stories बना देते हैं. Okay, एक बंदा है, वो जा रहे हैं, this happened to him, this happened to him. But what is the theme? As an audience, what am I getting out of it? मैं क्या सीख रहा हूँ इससे? यू नीड टू ऑलवेज कीप योर ऑडियंस इन योर माइंड, रिगार्डलेस ऑफ हाउ गुड योर स्क्रिप्ट इज. इफ योर ऑडियंस इज नॉट मूव्ड बाय इट, योर स्क्रिप्ट इज बेकार. इट माइट बी गुड इन योर हेड, इट माइट बी गुड व्हाइल यू आर लुकिंग एट इट, व्हाइल यू आर रीडिंग इट, व्हाइल यू आर एग्जीक्यूटिंग इट. बट इफ योर ऑडियंस इज नॉट अप्रिशिएटिंग योर स्क्रिप्ट और योर फिल्म, देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग इट. सो हाउ डू यू मेक योर ऑडियंस मूव इज बाय स्टिकिंग टू अ थीम. कोई थीम तो दो उनको. प्यार के ऊपर है तो फिर प्यार पे रहो,
नफरत के ऊपर है तो नफरत पे रहो, दिखाओ मुझे। अगर फैमिली के इश्यूज हैं तो फैमिली के ऊपर रहो, उसको दिखाओ मुझे। आई नीड टू अंडरस्टैंड, जब मैं देखूंगा आपकी शॉर्ट फिल्म को या फिल्म को, तो मुझे पहले ही 5-10 मिनट के अंदर पता चल जाना चाहिए, ओके दिस इज द थीम, दिस इज द थीम ऑफ द फिल्म। हैज एनीवन सीन गॉडफादर? हु हैज नॉट सीन गॉडफादर? आई जस्ट क्विकली प्ले अ शॉर्ट सीन, इट्स द वेरी ओपनिंग सीन ऑफ गॉडफादर, एंड आई नीड यू टू पिक केस में से कौन कौन से थीम्स आपको नजर आ रहे हैं। आई बिलीव इन अमेरिका, अमेरिका हैज मेड माई फॉर्चून एंड आई रेस्ड माय डॉटर इन द अमेरिकन फैशन। आई गेव हर फ्रीडम बट आई टॉट हर नेवर टू डिसऑनर हर फैमिली। शी फाउंड अ बॉयफ्रेंड and an Italian. She went to the movies with him. She stayed out late. I didn't protest. 2 months ago, he took her for a drive with another boyfriend. They made her drink whiskey, and then they tried to take advantage of her. She resisted. She kept her honor. So they beat her like an animal. When I went to the hospital, her nose was broken. Her jaw was shattered, held together by wire. She couldn't even weep because of the pain. But I wept. Why did I weep? She was the light of my life. Beautiful girl. Now she will never be beautiful again. Sorry. I went to the police like a good American. These two boys were brought to trial. The judge sentenced them to 3 years in prison and suspended the sentence. Suspended the sentence. They went free that very day. I stood in the courtroom like a fool. And those two bastards, they smiled at me. Then I said to my wife, for justice, we must go to Don Corleone. Why didn't you go to the police? Why didn't you come to me first? What do you want of me? Tell me anything, but do what I beg you to do. What is that? That I cannot do. I'll give you anything you ask. So what theme areas do you guys see in this scene? Friendship barriers. Friendship barriers? Crime. Sorry? Crime? ठीक है, ठीक है, व्हाट एल्स? रिवेंज, फैमिली, पावर, अब्यूज, कल्चरल वैल्यू, सोशल क्लास डिफरेंस, एम्पैथी, इमोशन, पेट्रियार्क। सो दीज आर ऑल द थीम एरियाज दैट इन द फर्स्ट 5 मिनट्स और 6 मिनट्स ऑफ द फिल्म वी गेट टू अंडरस्टैंड। और थ्रू आउट द फिल्म फिर यही चल रहा होता है कि जस्टिस मिल नहीं रहा तो सारे जा रहे हैं डॉन कॉर्लियोनी के पास। ठीक है, पाकिस्तान में भी ये होता है ना कि इफ़ यू डू नॉट गेट जस्टिस वी गो टू समवन हु इज़ पावरफुल। सो दैट इज अगेन अ कॉमेंट्री ऑन द सोशल क्लास स्ट्रक्चर।
कि किस तरह का हमने उसको शेप अप किया है. सो दीज आर द थीम एरियाज दैट यू नीड टू पुट इन योर शॉर्ट फिल्म. नाउ व्हेनेवर यू राइटिंग अ शॉर्ट फिल्म ऑलवेज रीड थ्रू इट एंड सी क्या थीम एरियाज में टच अपॉन कर रहा हूँ या कर रही हूँ या नहीं कर रहा. इज देर एनीथिंग थीमैटिक इन माई स्क्रिप्ट, इज देर एनीथिंग थीम जिसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, इज इट लव, इज इट हेटेड, वट इज इट. इफ इट्स मिसिंग देन योर ऑडियंस विल नॉट बी मूव्ड. आपकी ऑडियंस क्या लेके जाएगी. यहाँ पे मुझे पता है इट्स टॉकिंग अबाउट जस्टिस, इट्स टॉकिंग अबाउट पेट्रियार्क, इट्स टॉकिंग अबाउट सोशल क्लास डिफरेंस, इट्स टॉकिंग अबाउट एनिमोसिटी, इट्स टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप, इट्स टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स. बट इफ योर शॉर्ट फिल्म इज नॉट कम्युनिकेटिंग एनीथिंग आउट फॉर मी तो फिर आई नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन इट. इन द एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो, जो भी आप कहानी एक बना रहे हो, एक विजुअली आपने उसको दिखाना है, वेदर इट्स ऑन स्टेज और इट्स ऑन स्क्रीन. सो यू नीड, आपने अपने दिमाग से वो चीज़ निकाल के विजुअली मुझे दिखानी है. सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू टेक इट आउट ऑफ योर माइंड, हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग लिख रहे होते हैं आधी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं. आई एज अ राइटर नो दैट माई कैरेक्टर इज बैड बट द ऑडियंस डज नॉट नो दैट. हम कहते हैं कि यार ये देखो इसमें इसने डायलॉग बोला है, बट द ऑडियंस नीड्स टू फील इट. हाउ विल द ऑडियंस फील इट इज व्हेन आई टेल इट टू देम, व्हेन आई शो इट टू देम. जब मैं उनको बताऊंगा, जब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि माय कैरेक्टर इज बैड, हाउ डू वी शो दैट, वो मैं आगे जाके बताता हूँ. बट इट्स अ कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन, इट्स अ कॉन्स्टेंट विजुअल कम्युनिकेशन दैट यू आर हैविंग विद योर ऑडियंस. नेवर फॉरगेट योर ऑडियंस कि मैंने अगर कोई चीज़ बनानी, आई नीड देम टू अंडरस्टैंड, वो वही चीज़ देखें जो मेरे माइंड में है. और मेरे माइंड में वो चीज़ कब मैं दिखा सकूंगा, जब आई हैव अ कंट्रोल ग्रास्प ऑन माई आइडिया. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वी जस्ट स्टार्ट राइटिंग ऑफ. ठीक है, वेन एवर यू आर डिवेलपिंग अ स्क्रिप्ट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द एंडिंग. एंडिंग सबसे पहले सोचो, इट्स लाइक बिल्डिंग, थिंक ऑफ इट एज बिल्डिंग अ हाउस. जब आप घर बनाते हो, पहले एक आर्किटेक्ट आता है, सारा नक्शा बनाता है, आपको एक समझ आ जाती है कि उसका 3D बनता है, एनिमेशन बनता है, आपको समझ आती है अच्छा मेरा घर इस तरह का लगेगा. इट्स नॉट दैट आप सामान लेकर आ जाते हो, कंक्रीट वगैरह फेंक देते हो, देन यू वेट एंड सी ओके दिस हाउ माई हाउस इज गोइंग टू लुक लाइक. नो, सो वेन एवर यू राइटिंग अ स्क्रिप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एंड पे क्या होगा. मेरा हीरो जिंदा है, मरेगा, मेरा हीरो मिलियनियर बनेगा, नहीं बनेगा, विल ही बी एबल टू मैरी दैट गर्ल ही दैट ही इज फॉलोइंग और नॉट, कुछ होगा उसके साथ या नहीं होगा. आई नीड टू अंडरस्टैंड द एंडिंग, एंड पे क्या होगा. And then you slowly and gradually build up towards it. How do you build up towards it is by putting in obstacles. I'll talk about that in a while. A good film or a good short film will always have a subtext. What else is a subtext? Harry Potter dekhi kisi ne? Wo to dekhi bhi hogi. So Harry Potter is not just about wizarding world. That is the plot. That is the scene. वो दुनिया उन्होंने बना दी, उस दुनिया के अंदर वो किरदार ऐड कर दिए. ठीक है, हैरी पॉटर इज़ अबाउट लव, इट्स अबाउट फ्रेंडशिप, इट्स अबाउट सेक्रीफाइस, इट्स अबाउट स्टैंडिंग अप टू योर एनिमीज, इट्स अबाउट नेवर गिविंग अप, इट्स अबाउट अ गुड कैरेक्टर एंड अ बैड कैरेक्टर. इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि एक स्कूल है जिसमें सारे एडमिशन्स लेते हैं, वहाँ पे लोग मैजिक शो कर रहे होते हैं विद देयर वॉन्ड्स एंड ऑल. दैट इज़ द प्लॉट, दैट इज़ द स्ट्रक्चर, दैट इज़ द बैकग्राउंड. उसके बीच में जो किरदार काम कर रहे हैं, जो कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं, दोज पॉन्स दैट यू आर प्लेइंग अराउंड विद, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. डू यू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट फ्रेंडशिप इज थ्रू हैरी पॉटर? क्या हमें पता चलता है कि फ्रेंडशिप क्या है? हरमाइनी, रॉन एंड हैरी, दे आर ऑल क्लब टुगेदर, कभी अपने एक दूसरे को छोड़ते नहीं है. उनके बीच में लड़ाइयाँ भी हुई हुई हैं रॉन एंड हरमाइनी के बीच में, बट स्टिल दे आर टुगेदर. ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड व्हाट अ स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट एंड एंटैगनिस्ट इज? एंटैगनिस्ट क्या होता है? विलेन. प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? हीरो. क्या हमने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को देखा कि ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटैगनिस्ट? ठीक है, डिड वी गेट टू सी दैट हैरी स्टैंड्स अप टू लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट? ठीक है, इवन दो हैरी के पास इतने पावर्स नहीं है, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के पास बहुत ज़्यादा हैं. सो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड कि यार होना क्या जा रहा है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, व्हाट थीम एरियाज आर वी टचिंग अपॉन. सो एज अ राइटर you need to understand these things. हमें ये चीज़ें नहीं पता होती. हम लोग बस कहते हैं कि ओके, whenever students come up to me, सर हमने ये स्क्रिप्ट बनाया है, ठीक है, ये प्लीज़ ये स्क्रिप्ट देख लें. उसमें वो हाउ डू दे टेल इट टू मी इज कि सर एक लड़का जा रहा होता है बाजार के बीच में और आगे से एक लड़की आ रही होती है और हम लोग ना यहाँ पे यूँ करके कैमरा लगाएंगे और POV शॉट लेंगे और यहाँ से यूँ ड्रोन उड़ के आ रहा होगा. यू डू नॉट नीड टू गेट इन टू द सिनेमाटोग्राफी. दैट इज़ नॉट हाउ यू tell someone your story.
माई कहानी इज़ नॉट कि एक लड़का जा रहा है, एक लड़की आ रही है, ठीक है, एक लड़का जा रहा है, उसको 2 लाख रुपए रस्ते में मिल गए, दैट इज़ नॉट माई स्टोरी, दैट इज़ माई एक्शन. वट इज़ माई स्टोरी? दैट इज समथिंग विच इज़ नोन एज लॉग लाइन. लॉग लाइन क्या होता है? इट्स वन सेंटेंस ऑन 25 वर्ड्स इन विच यू कैन डिस्क्राइब एंड टेल वट योर स्टोरी इज अबाउट, वट योर फिल्म इज अबाउट. इट्स ऑल्सो नोन एज एलिवेटर पिच. एलिवेटर पिच का क्या मतलब है कि इमेजिन आप किसी प्रोड्यूसर से मिलने जा रहे हो, ठीक है, आप अपना स्क्रिप्ट हाथ में लेके जा रहे हो और उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो कहते हैं कि अच्छा मेरे साथ चलो, वॉक विद मी एंड टेल मी योर स्टोरी. देन यू गेट इन टू एन एलिवेटर, आप एक लिफ्ट में घुसते हो. जितना टाइम आपके पास उस लिफ्ट में है कि जितनी देर में वो ग्राउंड फ्लोर से फॉर एग्जांपल 4th मंजिल तक वो पहुंचता है, उसके दौरान आपने वो पिच अपना डिलीवर करना है. सो अगर वहाँ पर आप बताना शुरू कर दोगे कि सर जी वो एक लड़का जा रहा होता है, एक लड़की आ रही होती है, POV शॉट मैं यहाँ से लूँगा, लो एंगल शॉट यहाँ पर होगा, हम लोग ऑडियो ये लगाएंगे, मैं ये वाला कैमरा से, ही इज़ नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड. योर हाउ विल यू ग्रास्प दैट इंटरेस्ट फ्रॉम दैट पर्सन इज बाय टेलिंग हिम योर स्टोरी, टेलिंग हिम योर लॉग लाइन इन 25 वर्ड्स और लेस. So what is a log line? For example, अभी हम लोगों ने Godfather देखा. This is a log line. The aging patriarch of an organized crime dynasty transfers control of his clandestine empire to his reluctant son. ऐसे ही होते हैं. क्या नाम था Godfather के boy का? Al Pacino is not interested in taking over the empire. He's reluctant. So what's happening in this movie is the aging patriarch, kyunki sara kuch khatam ho raha hai, of an org, because Don Corleone is old, he needs to transfer that power, but his son is reluctant. That is the story. Titanic dekhiye. Yes, yes. What's the log line of Titanic? Kya ho sakta hai? A huge ever built ship in the world goes on a maiden voyage, theek hai, but it hits an iceberg and it collapses, it sinks. That is the log line. It's not the story of Jack and Rose, for example. आप ये नहीं कहोगे कि सर मैंने एक शिप के ऊपर जो है वो बनाया हुआ है और फिर जैक जो है वो रोज को ढूंढते हैं और इन दोनों के उनको प्यार हो जाते हो फिर वो डूब के मर जाते हैं. दैट इज नॉट योर स्टोरी. योर स्टोरी इज कि फॉर एग्जाम्पल देर इज अज बिग शिप एंड इट्स गोइंग ऑन इट्स मेड इन वॉयज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड देन इट हिट्स एन आइसबर्ग एंड देन इट सिंक्स. दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग. उसके वो आपका प्लॉट है, वो आपका स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपके कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं. That is the main crux and the subtext is Jack and Rose, sacrifice, never give up. Jack never gives up on Rose. Rose never gives up on Jack. The love between the, even though she's engaged to someone else, but still breaking that monotony, breaking that, coming out of this suppression of the family. Rose कहती है ना अपनी माँ को कि नहीं, I do not want to go. वो पैसों के लिए उससे शादी कर रही होती है, उसकी माँ चाह रही होती है. So she tells him कि नहीं, do not do this. हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा हुआ. So that is the subtext that is moving inside of that film. Again, Pulp Fiction देखिए. The lives of 2 mob hitmen, a boxer, a gangster's wife, and a pair of diner bandits intertwine in 4 tales of violence and redemption. That is Pulp Fiction for you. Hangover, dekhiye. Ye to dekhi bhi hogi. Theek hai? A Las Vegas comedy centered around 3 groomsmen who lose their about-to-be-wed buddy during their drunken misadventures. Then they must retrace their steps in order to find him. मेजरली तो हैंगओवर के अंदर यही हो रहा है ना कि वो पार्टी करने जा रहे होते हैं, उनमें से एक उनका दोस्त घूम जाता है, उसको ढूंढना होता है. दैट इज द बिगिनिंग, दैट इज द एंड. सो राइट ओवर हियर यू हैव लास वेगास एज द सेटिंग. ये आपका सीन है, ये आपकी लोकेशन है, ठीक है. यू हैव अ कॉमेडी, दैट इज योर जॉनरा. यू हैव सेंटर्ड अराउंड 3 ग्रूम्समैन, दीज आर योर कैरेक्टर्स. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, देखिए ना, 3 कैरेक्टर्स. 3 characters who lose their about to be wed buddy during their drunken misadventure. Drunken misadventure is now your obstacle. What is an obstacle? Thodi der mein aapko batata hu. Does anyone know what an obstacle is in script writing? Conflict. Yes. Anyone else? Problem. So the drunken misadventure, then they must retrace their steps in order to find him. That is the solution. So you have your introduction, you have your climax, and then you have your resolution. Aapka 3-act structure hota hai na script ke andar. Does everyone know that? You have your intro, you have your body, and you have your conclusion. Introduction mein aap bata rahe ho ki acha setting kya hai, location kya hai, characters kaun hai. Then your climax is your act 2 is your conflict, when your protagonist meets your antagonist. Theek hai, jab aapka hero aapko villain se milta hai, theek hai, when there is a lot of conflict. And then you have a resolution, whether that conflict is going to be resolved or not.
So you as script writers, you need to understand, you need to have a log line. Script likhne se pehle 25 ya 20 alfaz ke andar ek likh lo ek cheez ke yaar ye meri kahani hai. And if you're not able to write a log line, you're not able to write a script. Kyunki usse hoga kya, you start writing a script, you're starting mein to aap bahut acha likh rahe ho, you're typing, you reach page 10 or page 15, you run out of ideas. Kyunki aapko pata nahi aapki ending kya hai, to fir aapko samajh, fir aap usko drag kar rahe hote ho. So as a script writer, you need to understand what your ending is. Aap chah kya rahe ho usse? What does your hero want? What do you want from your audience? Now the very important thing about script writing is, you ask any script writer, you go on to Google, aap likh bhi lo us pe basically. What is the most important thing in script writing? It is character. As an audience, we will relate to the character. Whenever you're thinking about a film, the very first thing that might pop up in your head is the character. Aap Batman ki baat karte ho, sabse pehle shayad Joker aata ho. Bane aata ho. Theek hai? Whenever you think about Titanic, you might think about Jack and Rose. Whenever you think about Pirates of the Caribbean, you might think about Jack Sparrow. Whenever you think about Peaky Blinders, you might think about Thomas Shelby. Theek hai? So the character is very important. Just like Yusuf said, ke maine kirdaar ke saath relate karna hai. I need to, as an audience, I being the audience, I need to relate to the character. Agar mujhe character ke saath koi mera connection nahi aapne banaya as a writer, I'm not going to like your character. I, as an audience, need to love your character that you have written. I need to care for your character. Mujhe pata hai ki yaar main chahta nahi hu, kabhi bhi main nahi chahunga ki Batman mare. Kyun? Aapka kya kiya usne? Is he giving you any benefit? You will never want Superman to die. You might want Joker to die, or you might not want Joker to die, even though he is an antagonist. But you still do not want him to die. Why? Because you love him, because you care about him. There is something, there is a connection. Now you as a writer has created that connection between your fictional character and the real audience. Hum as a script writers kya galti karte hain, hum wo connection nahi banate. Hamare jazbaat hai, hamare ehsaasat hai, we need to feel things deeply. Why do we watch films? We watch films because we want to feel deeply. When we go into the cinema, we walk out with an experience. Oh my God, ye kya ho gaya? Mani Heist dekhiye. अभी जो रिसेंटली अभी सीजन गुजरा था, ये अभी आखिर वाला क्या हो रहा था उसमें, किसी को पसंद आया, किसी को नहीं पसंद आया, बड़े मिक्स्ड व्यूज आए हैं, बट डिड यू फील द एग्रेशन इन इट? अगर तो आप लोगों ने पूरा उसको एक ही गो में सारे 5 एपिसोड देखे हैं, तो यू माइट हैव फेल्ट कि यार आप खुद उस मनी हाइस्ट के अंदर, बिकॉज देयर वॉज टू मच हैपनिंग. आई वॉज फीलिंग दैट एग्रेशन, आई वॉज फीलिंग फॉर टोक्यो, आई वॉज फीलिंग फॉर एवरी कैरेक्टर कि यार आई डू नॉट वॉन्ट एनी वन टू डाई. So I as a writer need to instill that and need to provoke that emotion out of the audience. Main chahta hoon ki wo feel karein kuch. If I do not want, what's your name? Ashfaq. Agar main nahi chahta ki Ashfaq kuch bhi feel kare, main film bana kyun raha hoon? I need to have some sort of emotional connection with him. Agar to wo pyar hai, agar wo nafrat hai, agar wo kuch bhi hai. If there is no emotions, then there is no point. आप क्यों बना रहे? देन यू आर जस्ट वॉचिंग अ स्लाइड. बहुत सारी, इसका ये मतलब नहीं कि ऐसी फिल्म्स कोई है ही नहीं जिसमें इमोशंस नहीं है. बहुत सारी फिल्म्स आपने ऐसी देखी होंगी जिसमें आपको कुछ फील ना हो, अच्छा यार क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, यू वॉक आउट ऑफ द सिनेमा, ये मैंने क्या देखा है, मैंने पैसे ज़ाया किए, ठीक है, बिकॉज यू एज अ राइटर डिड नॉट कनेक्ट विद द ऑडियंस. नाउ हाउ डू यू कनेक्ट विद द ऑडियंस इज बाय क्रिएटिंग अ वेरी गुड कैरेक्टर. एंड हाउ डू यू क्रिएट अ वेरी गुड कैरेक्टर इज बाय फर्स्ट नोइंग द कैरेक्टर. मुझे पता होना चाहिए कि यूसुफ कौन है. मैंने यूसुफ को बना दिया, अब कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है. ऑडियंस डज नॉट नो, ऑडियंस को लाजमी नहीं कि ऑडियंस को पता हो कि उसका बाप कौन था, उसको पसंद क्या है, वो खाने में क्या खाते हैं, उस वो कपड़े किस तरह का पहनते हैं. बट यू एज अ राइटर नीड टू नो दैट, क्योंकि मैं एक तख्लीक कर रहा हूँ ना एक किरदार को. अगर मेरा किरदार सिर्फ ये कि वो स्कूल जाने वाला बच्चा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है जिसको प्यार हो गया मिसाल के तौर पर, दैट इज माई कैरेक्टर, दैट्स इट. So there is no depth, there is no emotional connection between me and the character. Koi kirdaar mera hai hi nahi, bas ek student hai. Now as a writer, if I put in elements, for example, ye wo bachcha hai jiske, for example, he lost his father at a very young age, or ye wo bachcha hai who faced a massive sort of an abuse, or ye wo bachcha hai who has some sort of a disease, or ye wo bachcha hai who has some sort of a superpower but no one knows about. So now as a writer, you can gradually move on with your story. Your character will help you in getting that idea, in getting that story out.
मिसाल के तौर पे अगेन मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि आई ग्रू अप फॉर एग्जांपल इन अ हाउस होल्ड दैट हैज़ अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. मैं बाहर जाने से मना करते थे, घर वाले गुस्सा करते थे, मेरे कोई दोस्त नहीं होते थे, फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं पढ़ाई में बड़ा वीक था. नाउ दिस कैरेक्टर, ठीक है, दिस कैरेक्टर हैज़ स्ट्रक गोल्ड, ठीक है, किसी उसकी लॉटरी लग गई है उस कैरेक्टर की. अब जब वो कैरेक्टर उस लॉटरी के पैसों के साथ क्या करेगा? विल ही बी स्केर्ड इन स्पेंडिंग इट, और विल ही बी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि वो बहुत लैविशली अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देगा? द आंसर कम्स फ्रॉम हिज बैकग्राउंड. उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके माँ बाप किस तरह के, वो दिखता किस तरह का है, उसके बाल का कलर क्या है, वो पहनता क्या है. आपका लिबास आपके बारे में बहुत कुछ बताता है, ठीक है. वेदर यू आर अ कलरफुल पर्सन और नॉट, वेदर यू लाइक कलर्स और नॉट, डू यू चेंज योर क्लोथिंग और नॉट. आपका जूता कहते हैं ना कि मैन इज नोन बाय हिज शूज, व्हाई डू वी से दैट? Your shoes will tell you a lot about you. How do you eat your food also tells you a lot about a person. I was watching a video a few weeks ago. Jack Grapes is a script writer. Wo kya kehte hai? He gives out an example. Kehte hai ki I observe people while they're eating. He says ke sunny side up anda hota hai na, jo half fry hota hai. There are a lot of ways of eating it. Theek hai? Now when you observe people while they're eating their food, you can get to know a lot about them. Ab kuch hote hain, wo kehta hai ki some people they just eat, they cut through the egg, sabko mix up karte hain, egg white aur yolk ko mix karke phir kha lete hain. Phir kuch hote hain jo sirf jo uska white side hota hai, jo white area hota hai, usko pehle kaatte hain, theek hai, pehle wo khate hain aur phir wo jo egg yolk hai usko utha ke ek hi bite mein wo kha jate hain. So these are two different characters. If you're wearing glasses, agar aap ANK pehante ho, एक बंदा होता है, एक कैटर होता है, वो ऐनक उतारता है, यूँ अपनी शर्ट के साथ साफ करना शुरू कर देता है, ठीक है. एक कैटर होता है, वो ऐनक उतारता है, उसका बॉक्स निकालता है, उसका साफ कपड़ा निकालता है और उससे शीशे को साफ करता है. दीज आर बिहेवियर्स, दीज आर डिफरेंट थिंग्स दैट टेल यू अबाउट योर ऑडियंस, अबाउट योर कैरेक्टर. आपने किरदार देखा होगा, बहुत लोगों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव वो होते हैं कि यार बड़ा साफ सुथरी चीज़ होनी चाहिए, मेरा पेन यू भी नहीं, यू सीधा पड़ा होना चाहिए, किताब टेढ़ी नहीं सीधी पड़ी होनी चाहिए. दिस इज समथिंग दैट्स टेलिंग यू अबाउट योर कैरेक्टर. बट इफ़ यू वॉक इन टू अ रूम ऑफ योर कैरेक्टर, वो कमरा सारा ख़राब हुआ हुआ है, गंद पड़ा हुआ है, पुराना पिज्ज़ा का पीस पड़ा हुआ है, कॉकरोचेस चल रहे हैं, जालियाँ शायद लगी हुई हों, तौलिया इधर पड़ा हुआ है, कपड़े इधर पड़े हुए, दैट इज़ टेलिंग यू समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर. सो यू एज अ स्क्रिप्ट राइटर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका किरदार कौन है, क्या है, उसके हैबिट्स क्या हैं, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, अपने फारिग टाइम पर क्या करते हैं, वट इज़ हिज सीक्रेट. Maybe your audience does not know that, but you as a writer need to know that. Why? Because it's going to help you shape your character. It's going to help your character make decisions. Agar meri zindagi mein mere ghar walon ne mujhe daba ke rakha hua tha, to I will always be very scared in taking decisions. But if my family has been very supportive throughout my childhood, and now when I've grown up, I will be very confident in taking decisions. Why? Because I know my parents are behind me. So you as a script writer, you need to understand what your character or who your character is. Physical appearance, uski height kya hai, uska hair color kya hai, body structure kya hai, usse kis tarah ke kapde wo pehante hai, uski sehat kis tarah ki hai, wo chalta kis tarah, wo baat kis tarah se karta hai. Whether it's a short film or whether it's a long film, you as a writer, you need to understand what your character is, who your character is. Uska religion kya hai, kis cheez pe believe karta hai, kis cheez pe nahi karta, उसका ईमान किस चीज़ पर है. क्योंकि अगर मेरा किरदार मिसाल के तौर पे आई राइट अ लूज कैरेक्टर जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, एंड ही इज़ वॉकिंग डाउन द रोड, और एक गरीब जो है वो साइड पे भिखारी बैठा हुआ है और वो गिड़गिड़ा रहा है कि भाई मुझे कुछ पैसे दे दो. अब मैं एज अ राइटर, आई हैव टू ऑप्शंस, वेदर आई गिव हिम मनी और वेदर आई डू नॉट गिव हिम मनी. नाउ दिस डिसीजन ऑफ वेदर मी गिविंग हिम मनी और नॉट डिपेंड्स ऑन मेरे किरदार का रिलीजियस बिलीफ किस तरह के, उसकी इंसानियत क्या है, उसका ईमान क्या है. अलादीन देखिए, सबने बचपन में देखा होगा ना, अलादीन क्या करता है, हर जगह से चोरी चोरी करके लेकर आता है, बट देन ही लुक्स एट अ मदर एंड अ चाइल्ड और वो उसको पीस ऑफ ब्रेड दे देता है. नाउ व्हाट इज दैट, दैट इज कनेक्शन, दैट इज समथिंग नोन. लियोन द प्रोफेशनल देखिए, ठीक है, उसमें क्या होता है, ही इज अ हिट मैन, जीरो फीलिंग्स, कोई इमोशन नहीं. जॉन विक देखिए, जीरो इमोशन, हर किसी को ठा, ही इज किलिंग एवरीवन ऑफ, ठीक है, बट एट द सेम टाइम ही इज केयरिंग फॉर अ डॉग. व्हाई? Leon the professional, he is killing everyone, but at the same time, he is looking after a plant. Ek paude ka khyal rakh rahe, phir wo choti bachchi ka khyal rakh rahe. Why? That is the emotional connection between the audience and the character. I will not relate to Leon the professional while he is killing people off.
क्योंकि मैं तो कभी किसी का कत्ल नहीं किया, तो मुझे क्या पता क्या फीलिंग होती है। बट मुझे ये पता है कि कुत्ते का ख्याल रखने में क्या फीलिंग हो सकती है, मुझे ये पता है कि किसी पौधे का ख्याल रखने में क्या फीलिंग हो सकती है। दैट इज माई कनेक्शन, वाई दैट इज समथिंग विच इज नोन एज सेविंग द कैट। सेव द कैट इज ऑल्सो नोन एज, इट्स अ बुक बाई ब्लेक स्नाइडर। अगर आपको कभी स्क्रिप्ट राइटिंग में, दैट इज द बेस्ट बुक टू रीड इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वट स्क्रीन राइटिंग इज ऑल अबाउट। सेव द कैट, हमें पास PDF पड़ा हुआ, एल्पोर्ट इन ऑन डेस्क, किसी को चाहिए तो वहाँ से ले लीजिएगा। सो सेविंग द कैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेविंग द कैट का मतलब क्या होता है? इट्स एन एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट योर हीरो डज इन द फिल्म, एनी एक्ट ऑफ काइंडनेस। बिकॉज वाई डू वी नीड दैट एक्ट ऑफ काइंडनेस इज बिकॉज दैट इज समथिंग दैट द ऑडियंस विल रिलेट टू। मुझे पता होगा क्या किसी भिखारी को पैसे देने का क्या फीलिंग होती है। आई वुड रिलेट टू दैट इमोशन, आई विल रूट फॉर दैट कैरेक्टर। नाउ आई डू नॉट वॉन्ट लियोन द प्रोफेशनल टू डाई बिकॉज ही इज वेरी केयरिंग। रिलेट का ये मतलब नहीं है कि मुझे पता हो कि वो क्या फील कर रहा है या उसके वही एक्सपीरियंसेस हो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हो। देर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट इन हिम। ठीक है, वाई डू वी हेट लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, वाई डू वी वॉन्ट हिम टू डाई? क्योंकि हमें पता है उसके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, उसका कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस थ्रू आउट हैरी पॉटर के सीरीज में नहीं नजर आया। वी वॉन्ट हिम टू डाई, गो अवे, वी आर हैप्पी दैट ही इज डेड। वाई? बिकॉज देर इज नो ह्यूमन एलिमेंट इन हिम। इंसानियत खत्म, एहसास खत्म हो गए, एम्पथी नहीं। आई कैन नॉट एम्पथाइज विद लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, बट आई कैन स्टिल एम्पथाइज विद स्नेप, इवन दो स्नेप वॉज वेरी बैड, बट इन द एंड वी गेट टू अंडरस्टैंड इट वॉज ऑल अबाउट लव। सो दैट इज द ह्यूमन एलिमेंट। थ्रू आउट द सीरीज वी हेटेड स्नेप, at the very last moment when he's about to die we start loving him. Why? Because wahan pe hame his love justifies all of his actions. So that is very important. Agar wo na hota aur Snape mar jata, aaj hum uske bare mein baat na kar rahe hote. Theek hai? So the background is also very important. The family, childhood, hobbies kya hai, uske habits kya hai, uske talents kya hai. Regardless, kya pata aapke script ke andar uska talent nazar na aa raha ho, लेकिन आप जब लिखना शुरू करोगे ना तो आपको पता चलेगा, अच्छा मेरे किरदार के अंदर ये भी खूबी है, ठीक है, क्या पता मैं इसको कहीं इस्तेमाल कर दूं। सो यू एज अ स्क्रिप्ट राइटर यू नीड टू नो हु योर कैरेक्टर इज, उसका सोशल क्लास क्या है, क्या वो अपर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, कहाँ पर वो वेरी बैठते हैं। अगर वो स्टूडेंट है जो यूनिवर्सिटी आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वी नीड टू नो दीज थिंग्स। देन वट इज हिज एजुकेशन, वट ड्राइव्स योर कैरेक्टर, वट मेक्स हिम वेक अप इन द मॉर्निंग, क्या चीज है ऐसी, उसकी मोटिवेशन क्या है उसके पीछे। Why is that student job a character? वो सुबह उठ के क्यों यूनिवर्सिटी आता है? That as a writer you need to know. वो चीज़, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे स्क्रिप्ट के अंदर मिसिंग होती हैं। हम लोग डायलॉग बहुत अच्छा लिख लेंगे, हम लोग कैमरा बहुत अच्छा इस्तेमाल कर लेंगे, हम लोग एंगल्स बहुत अच्छे बना लेंगे, कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी कर लेंगे, 4K पे शूट कर लेंगे, वी विल डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट वो जो कोर एसेंस है एक फिल्म का वो हम लोग लूज कर देते हैं। एंड द कोर एसेंस इज व्हाट, दैट आई वॉन्ट माई ऑडियंस टू, जी अगर तो हम ये एसेंशियल्स पूरे कर लेते हैं बट आर डायलॉग्स आर गुड, तो ऑब्वियसली वो स्क्रिप्ट उसमें चलेगी नहीं। अब जैसे द जॉनर ऑफ कॉमेडी, अब कॉमेडी ऐसा जॉनर है जिसके अंदर अगर आपकी स्क्रिप्ट, मतलब अगर आपकी डायलॉग्स अच्छे नहीं है, इवन इफ द स्टोरी इज गुड एंड द डायलॉग्स आर गुड, द पीपल वोंट लाफ उसके ऊपर। तो फिर उसके अंदर मतलब हाउ डज अ पर्सन मेक देयर डायलॉग्स बेटर? वेरी गुड क्वेश्चन, ये अभी थोड़ा सा आगे चल के अभी आएगा, ठीक है, हमें मैं डायलॉग मेंशन किया। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट एंड अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम स्क्रिप्ट में हमारी मिसिंग होती है। हमारा एक्शन सीन कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है लेकिन हमारा डायलॉग अच्छा नहीं होता। आई गेट टू दैट इन अ वाइल। सो द कोर एसेंस इज ऑलवेज मिसिंग इन आर स्क्रिप्ट्स। एज अ राइटर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कोर एसेंस। नो द वॉइस ऑफ योर कैरेक्टर। नाउ व्हेन नोइंग द वॉइस ऑफ द कैरेक्टर का ये मतलब नहीं कि उसकी आवाज़ किस तरह की, उसकी आवाज़ का साउंड क्वालिटी क्या है। नो, उसके थॉट्स क्या हैं, उसके एहसास क्या हैं, उसके उसकी सोच किस तरह की है। हाउ इज ही और शी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ कैरेक्टर स्कारफेस, देखिए, ठीक है, से हेलो टू माई लिव फ्रेंड, ये डायलॉग याद है ना हमें, कहते हैं ना पैरट्स ऑफ द कैरिबियन में क्या होता है, यू थिंक दिस इज वाइज बॉय क्रॉस एंड ब्लेज विद द फायर जैक स्पैरो, दैट इज हाउ ही इज टॉकिंग, ठीक है, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या था उसका, पुष्पा I hate tears, करीना कपूर वाला जो था, ठीक है, कितने आदमी थे। This is the dialogue that they are being that they're delivering, but at the same time you as a writer you know the voice,
कि वो उसकी वो बात कर किस तरह से रहे, उसका तरीके कार क्या है, हाउ डज योर फॉर एग्जांपल बेन की जब हम बात करते हैं, बैटमैन की बात करते हैं, और लेट्स कम बैक टू हैरी पॉटर फॉर एग्जांपल, डू यू थिंक के हैरी वुड बी मोर कॉन्फिडेंट वाइल स्टैंडिंग अप टू हिज एनिमीज और वुड लेट्स से रोनाल्ड रॉन हु वुड बी मोर कॉन्फिडेंट अगेंस्ट हिज एनिमीज ओके हु वुड बी मोर कॉन्फिडेंट हैरी पॉटर और मैलफॉय स्टैंडिंग अप टू हिज एनिमीज हु वुड बी मोर कनिंग हैरी पॉटर और मैलफॉय ठीक है हु इज मोर लाइकली टू स्टील हैरी रॉन और हरमाइनी रॉन ओके हु इज मोर लाइकली टू फेल एट अ स्मॉल टास्क हैरी रॉन और हरमाइनी व्हाई आपको कैसे पता हाउ डू यू नो दैट बिकॉज नाउ यू नो द कैरेक्टर बट इफ आई पिक अप योर शॉर्ट फिल्म आप ही मैं कोई शॉर्ट फिल्म उठाऊं और उसके आगे मैं ये सवाल डाल दूं कि इज योर कैरेक्टर लाइकली टू फेल इन हिज एजुकेशन विल यू बी एज अ राइटर विल यू बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन मे बी नॉट यस इफ यू नो द कैरेक्टर वेरी वेल नो इफ यू नॉट नो द कैरेक्टर सो आस्क योर सेल्फ फ्यू सच इस तरह के कोई सवाल है अपने आप से पूछा करो अपने किरदार के बारे में क्या यार ये जो मैंने किरदार बनाया हुआ है क्या ये कभी अगर पोकर खेल रहा होगा तो जीतेगा या नहीं जीतेगा इज ही दैट इंटेलिजेंट और नॉट इज ही दैट क्विक और नॉट विल योर कैरेक्टर बी एबल टू मेक फ्रेंड्स ईजिली और नॉट यू नीड टू नो दीज थिंग्स तभी आपका किरदार अच्छा बनना शुरू होगा नाउ कमिंग बैक टू द कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ डायलॉग डू आई हैव टाइम मेरा डायलॉग डिपेंड्स अगेन ऑन माई कैरेक्टर मेरा किरदार किस तरह के अक्रम शायद लेट्स से कि अक्रम माइट टॉक वेरी बैडली विद हिज फ्रेंड्स ठीक है ना शेखेंगे ठीक है मैं शायद अपने दोस्तों के साथ बहुत बुरी अंदाज से बातें करता हूँ क्यों क्योंकि वो मेरा किरदार है कभी कभार एक होता है कि यार मिसाल तौर पर एहसन की मिसाल देता हूँ एहसन इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई सो आई कैन गिव हिज एग्जाम्पल नो वन विल एग्री इफ आई से यार एहसन बड़ी गंदी बातें करता है Why? Because we know his character. ठीक है that is his dialogue. ठीक है मेरा dialogue is relevant and it's equal to my character. अगर मेरी education अच्छी है मेरा background अच्छा है मेरा मेरी तरबियत अच्छी हुई है मेरा खाना पीना लिबास उठना बैठना अच्छा है तो मेरा dialogue भी उसी तरह का होगा अब हमारा dialogue किस तरह का अनुस्क्रिप्ट में लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर ए एंड कैरेक्टर बी योर कैरेक्टर इज हाय अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपका कैरेक्टर बी वालेकुम अस्सलाम जी बिल्कुल ठीक हूँ That is on the nose. Your dialogue is directly on the nose. You do not, हम real life में भी ऐसे नहीं करते हमारा character क्या करते हैं हाँ जानी कैसे हाथ मिलाते हैं और चले जाते हैं ठीक है for example, character is, yeah, would you like a cup of tea? Yes, two sugars, please. That is on the nose. ठीक है आपका dialogue बिल्कुल आपके forefront के ऊपर है We do not talk like that. So whenever you're writing a dialogue, keep in mind के who your character is, उसका background क्या how does he sound like. You need to understand the voice of your character. कभी कभार हमारा dialogue बहुत अच्छा लिखा हुआ होगा लेकिन हमारे किरदार के ऊपर पूरा उतर नहीं रहा होगा कभी कभार हमारा किरदार बहुत अच्छा लिखा बना हुआ है लेकिन हमारा dialogue उतना अच्छा नहीं बना हुआ है सो वेन एवर यू राइटिंग डायलॉग लाजमी नहीं है कि आप हमेशा जी एक एस्ट्रॉयड आ रहा है दुनिया को तबाह कर देगा हम सारे मर जाएंगे अच्छा सही है ठीक है बट देन इफ यू पुट दिस इन अ वे के Oh my God, my girlfriend is about to die. An asteroid is about to hit. What do I do? Okay, there is subtext. Now, subtext is what? Ki yaar, asteroid aa raha hai, but I do not care about the asteroid as much as I care about my girlfriend. Okay, na? So that again, I maine hamesha har cheez apni audience ke muh pe nahi dal deni. Ki bhai ye lo, main ye karne ja raha hu. Okay, I am about to go and bomb the New York State Tower or whatever. I'm going to bomb this metro station. No, but then you can always write aksar telephonic conversation you will get to understand these things when you pay attention while you're watching films ki aapka dialogue kis tarah ka deliver ho raha hai what sort of a dialogue is your hero or your character talking about Loki and Thor inka pata hai Thor and Loki ke dialogues even though ye bhai hain dono aapas mein uske dialogues bahut different hain Thor ke dialogues bahut different hain Why? Because Loki's character is very different. Thor's character is very different. Loki sounds something like something else. Thor sounds like someone else. As a screenwriter, if you have an option, कि आप वो चीज़ दिखा सकते हो तो
तो आप वो दिखाओ, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव अ गन इन माई, मेरे पेंट के साथ गन लगी हुई है, ठीक है. नाउ एंड आई एम अबाउट टू किल यू, फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई टेक आउट दिस गन, ओ माई, आपका नाम क्या? उमर. आई हैव अ गन एंड आई एम गोइंग टू शूट यू राइट नाउ, दैट इज़ अ डायलॉग, ओके. बट इफ देर इज़ अनदर वे ऑफ डूइंग इट, इफ आई टेक आउट माई गन एंड जस्ट कॉक इट विदाउट सेइंग एनीथिंग एंड आई डू लाइक दिस, सो द ऑडियंस नोज, ओके नाउ उसने गन निकाल ली, उसने कॉक कर दी और अब उसने रख दी, ही माइट शूट, ही माइट नॉट. बट इफ आई से आई हैव अ गन उमर एंड आई एम अबाउट टू शूट यू राइट नाउ, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, दीज आर एक्सपोजिशनल डायलॉग. मैं बता रहा हूँ जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना. So no, to answer your question, no, it's not necessary. Wherever you can remove dialogue, you can. It's always recommended. जहाँ पर आप दिखा सकते हो वहाँ पर आप दिखाओ, जहाँ पर आप dialogue इस्तेमाल नहीं करना चाहते वहाँ पर आप ना करो. Too much use of dialogue is also not recommended. जहाँ पर आप चीज़ें अपने action के through कर सकते हो, अपने behavior के through दिखा सकते हो, अपने expressions के through दिखा सकते हो, again, it's visual medium. You need to look at whatever the expression is. You need to look at how the cat's behavior is. Have I answered your question? Whose eyes are we seeing the story through? Kahani kiski? So if the story is about our main character, we obviously need the audience to care about that character. Yes, as a human being, if you're very emotional, you might think and you might care about the building collapsing on the audience, jo niche road pe ghoom rahi hai. But then at the same time, you might not feel that much about it because you do not know that person. Aap us shakhs ko jante ho jo pink mein baithe hain? So for aap inko jante ho jo aapke saath baitha hai? इफ अगर इन दोनों में से कोई डूब रहा होगा तो आप किसको बचाएंगे? वाई? बिकॉज यू नो हिम, यू हैव सम कनेक्शन विद हिम, यू हैव सम इमोशनल कनेक्शन विद हिम. नाउ यू हैव एन इमोशनल कनेक्शन विद थॉर एंड लोकी, बट यू नॉट हैव दैट इमोशनल कनेक्शन विद द बिल्डिंग विच इज फॉलिंग ऑन द ऑडियंस. सो दैट इमोशनल कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ आई वॉन्ट यू टू रूट फॉर थॉर, तो फिर मुझे वो कनेक्शन बनाना है. सो टू आंसर अगेन, टू इलेबोरेट मोर ऑन योर क्वेश्चन आंसर, कभी कभार ऐसा होता है कि आपका किरदार सिर्फ एक नहीं होता. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में तीन किरदार है. आई कम बैक टू यू. तीन किरदारों के बारे में हमने ख्याल करना है, ठीक है. सो वी गिव आउट इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल ऑफ दिस कैरेक्टर्स, सो दैट वी अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू दैट कैरेक्टर. देखो, व्हेनेवर वी मेकिंग अ फिल्म, इट्स अ जॉइंट एफर्ट, ठीक है, कलेक्टिव एफर्ट होता है. सो इफ यू हैव अ स्क्रिप्ट जो कि आपने उठाया हुआ है किसी किताब से, ठीक है, वो तो किताब के लिए लिखा हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो वो अडेप्टेशन चेंज होगी एक स्क्रिप्ट, एक स्क्रीन प्ले के ऊपर, ठीक है. उसका पहला सीन कौन सा आएगा, दूसरा सीन क्या आ गया. अगेन आई गिव एग्जाम्पल ऑफ हैरी पॉटर प्रिजनर ऑफ अज़्काबान, बहुत सारे उसके सीन्स उसमें से निकाले गए हैं. इट वॉज रिटन अगेन फॉर द स्क्रीन. सो वैन यू राइटिंग फॉर द स्क्रीन, दैट इज समथिंग एल्स. द डायरेक्टर ऑलवेज हैज़ एन इनपुट. इनपुट वो दे सकते हैं कि आई वॉन्ट टू चेंज दिस सीन ये ऐसा नहीं होगा, ये वैसा नहीं होगा, इस तरह से होगा. ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, ही कैन मेक सम चेंजेस. बट इन द एंड ऑफ द डे, the director and the script writer, they both know the characters, so the changes is according to those characters. Theek hai na, aisa nahi hoga ki for example ki your character is very mature and very strongly written and then he dies off in a very bad way in the end. So you have to give him some poetic justice to your character in the very end. Theek hai, quickly skimming through जर्नी ऑफ लर्निंग. आपके किरदार के अंदर एक कैरेक्टर ग्रोथ होनी चाहिए, कैरेक्टर आर्क होना चाहिए. व्हाट इज अ कैरेक्टर ग्रोथ एंड कैरेक्टर आर्क इज, फॉर एग्जांपल, कोलैटरल देखी आप लोगों ने, टॉम क्रूज एंड जेमी फॉक्स फिल्म. जेमी फॉक्स इज अ टैक्सी ड्राइवर, टॉम क्रूज इज अ हिटमैन, ही सिट्स इन हिज कार एंड देन दे वांडर ऑफ एंड देन ही, देखिए नहीं देखी. सो इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फिल्म, व्हाट्स हैपनिंग, मैं आता हूँ आपके पास मुस्तफा. व्हाट हैपेंस इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फिल्म इज The जेबी फॉक्स जो है वो बड़ा इनोसेंट सा कैब ड्राइवर है, 12 साल से एक लिमोजीनी कंपनी चलाना चाह रहा है वो. फिर वो टॉम क्रूज आके उसके पास बैठे, दैट इज एक्ट वन, दैट इज द इंट्रोडक्शन. यू गेट टू अंडरस्टैंड योर कैरेक्टर्स. अब एट दैट पॉइंट यू कैन नेवर टेल के जेमी फॉक्स जो है जो टैक्सी ड्राइवर है किसी कतल कर सकता है या वो कोई बहुत हिम्मत वाला काम कर सकता है. वाई? बिकॉज इज वेरी इनोसेंट. सो वाइल द मूवी प्रोग्रेस इज अहेड एट एक्ट टू एंड देन एक्ट थ्री में क्या पता चलता है कि इन द वेरी एंड ऑफ द फिल्म Jamie Foxx becomes the hero. Starting mein he is very innocent. So that is character growth, character arc. It's a learning process. 2 ghante ke andar aapke kirdaar ne kuch cheez seekhni hai aur aage sikhani hai. We as an audience, we are going through that journey. ठीक है. अगर हमारी पाकिस्तानी फिल्मों से ज़्यादातर क्या होता है कि स्टार्टिंग में हुमायूं सईद फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ वेरी बदमाश किस्म का इंसान और ही बड़ा बदतमीज़ किस्म का है. फिर एट द एंड ऑफ द फिल्म ही इज स्टिल बदमाश एंड बदतमीज़, बट नाउ ही हैज़ द गर्लफ्रेंड. That is the only difference. So there is no character growth. Your character is not learning something. Your character is not changing. Change is always recommended in a film. ठीक है, कोई तब्दीली आए, कोई change आए,
आयरन मैन स्टार्टिंग में बदतमीज़ था, एंड पे जाके बड़ा उसके अंदर एम्पैथी आना शुरू हो गई थी. ठीक है, लियोन द प्रोफेशनल इन द बिगिनिंग ही वॉज वेरी एग्रेसिव, इन द एंड ही अगेन हैज़ दैट इमोशंस. ठीक है, ही हैड दैट इमोशनल लव टू द कैरेक्टर. सो योर कैरेक्टर नीड्स टू ग्रो इवन इफ इट्स अ शॉर्ट फिल्म. आपका किरदार अगर स्टार्टिंग में बहुत मासूम सा है, इन द एंड यू हैव टू शो सम सॉर्ट ऑफ चेंज. दैट कैरेक्टर ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हाउ डज योर कैरेक्टर ग्रो इज थ्रू ऑब्स्टिकल्स, कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है? इट्स वेरी सिंपल, आसान अल्फाज में, आई वॉन्ट समथिंग आई एम नॉट एबल टू अचीव. मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा मिल नहीं रहा. ठीक है, मैंने इस जगह पे दाखिला लेना, मुझे दाखिला नहीं मिला, दैट इज़ ऑब्स्टिकल. लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखिए, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सिंपल कहानी क्या है? देर इज़ अ हॉबिट हु हैज़ अ रिंग और उसने रिंग को आग में डाल देना, दैट इज़ द स्टोरी. दैट जर्नी इज़ द ऑब्स्टिकल. यू हैव ऑर्क्स, यू हैव गॉब्लिन्स, यू हैव पीपल फाइटिंग विद स्वॉर्ड्स, ये ऑब्स्टिकल्स. इन सब ऑब्स्टिकल्स को वो ओवरकम करके फिर वो उस आग की तरफ जाते हैं. ठीक है, सो इफ देर इज़ नो ऑब्स्टिकल इन योर सीन, देन देर इज़ नो कैरेक्टर ग्रोथ. मैं कोई गलती करूंगा, कोई रुकावट आएगी तो मेरी ज़िंदगी में तो मैं सीखूंगा ना, तो मैंने उस सीखने के लिए उस रुकावट से गुजरना है. सो वेन एज अ स्क्रिप्ट राइटर, वेन एवर यू राइटिंग अ कैरेक्टर, वेन एवर यू वॉन्ट टू अचीव दैट गोल, गिव देम सम सॉर्ट ऑफ एन ऑब्स्टिकल. उस ऑब्स्टिकल को वो ओवरकम करेगा तो वो सीखेगा. कॉन्फ्लिक्ट, वेन एवर यू राइटिंग अ सीन, कॉन्फ्लिक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन एंड अगेन आई कैन नॉट रिएट्रेट मोर ऑन दिस, बट ये बहुत ज़रूरी है. सीन का क्या मतलब? वट इज़ अ सीन? मखसूस जगह पे एक मखसूस एक्शन हो रहा है. ठीक है, इस सीन के अंदर कोई ना कोई मुझे रुकावट डालनी है. एवरी फिल्म यू विल सी दैट इन एवरी फिल्म, एवरी सीन, ऑलमोस्ट एवरी सीन हैज़ सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट. अब वो कॉन्फ्लिक्ट तीन तरह के हो सकते हैं. इट कैन बी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मेरे जज्बात, मेरे साथ मेरा इंटरव्यू होने जा रहा है लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है. ठीक है, दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, आई एम हैविंग एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विद माई सेल्फ. The other conflict is an open conflict. It can be a verbal argument. I want some money from my boss. मेरे तनख्वाह बढ़ा दो. कहते नहीं बढ़ाता, जाओ कर लो जो करना है. सो फिर ये एक ऑब्स्टिकल आ गया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई मदर इज सिक इन द हॉस्पिटल एंड डू नॉट हैव मनी एंड आई एम आस्किंग माई बॉस कि बॉस मुझे प्लीज़ इंक्रीमेंट दे दे, मुझे प्लीज़ एडवांस पैसे दे दे, मेरी माँ मर रही है. वो कहते हैं कि नहीं. नाउ आई एज ए कैटर विल डू वट? आई विल गो आउट एंड स्टील. तो मैंने वो रुकावट डाली है तो मैंने स्टील किया ना. नाउ माई स्टोरी इज़ प्रोग्रेसिंग. अगर मैं जाता हूँ, कहता हूँ कि यार मेरी माँ अस्पताल में मर रही है, मुझे प्लीज़ तनख्वाह दे दो, मेरी प्लीज़ तनख्वाह बढ़ा दो, बॉस कहता है अच्छा बेटा ये लो पैसे, तो हाँ मेरी मूवी ख़त्म होगी ना. सो इफ़ आई ऐड ऑब्स्टिकल, आई वॉन्ट टू टॉक टू दिस गर्ल बट देर आर लॉट ऑफ, उसके बहुत ज़्यादा भाई हैं, अब मैं क्या करूँ? ये ऑब्स्टिकल है. अगर उसे कोई भी नहीं है, आई विल गो अप एंड आई विल टॉक टू हर, तो कहानी मेरी यहाँ पर ख़त्म होगी. सो एज अ स्क्रीन राइटर यू नीड टू ऐड लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स. ओपन कॉन्फ्लिक्ट, वर्बल आर्ग्यूमेंट, कोई चीज़ मुझे चाहिए मुझे नहीं मिल रही, अंडरलाइन टेंशन, अगेन इट्स सब टेक्स्ट, इट्स द इंटरनल फीलिंग्स दैट वी हैव. एंड देन वी हैव एन एक्शन कॉन्फ्लिक्ट जिसमें फिजिकल ऑल्टरकेशन है. ठीक है, दो कैरेक्टर्स आपस में लड़ पड़ते, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज एन ऑब्स्टिकल. वन एवर यू आर राइटिंग अ स्क्रिप्ट, ऑलवेज कीप द स्टेक्स हाई. स्टेक्स हाई का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल कि कहानी मेरी सिर्फ ये है कि एक बच्चे ने एक ग्रेड लेना है क्लास के अंदर. ठीक है, एक सब्जेक्ट के अंदर उसने एक ग्रेड अचीव करना है. सो अब मैं क्या बैठ के 20 मिनट यही देखता रहूँगा कि बच्चा एक ग्रेड लेगा? दैट इज़ नॉट द स्टेक्स आर नॉट हाई. लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि एक क्लासरूम के ऊपर एक एस्ट्रॉइड गिरने वाला है, अब बच्चे फंसे हुए उस कमरे के अंदर, किस तरह निकलेंगे बाहर? द स्टेक्स आर हाई, पीपल आर अबाउट टू डाई, द वर्ल्ड इज अबाउट टू एंड, देयर इज अ बॉम्ब दैट्स अबाउट टू गो ऑफ. ठीक है, समवन इज अबाउट टू किल द प्रेसिडेंट, द स्टेक्स आर हाई. सो व्हेनेवर योर स्टेक्स आर हाई, द टेंशन इज राइजिंग. जितना आपका राइजिंग टेंशन होगा उतनी आपकी ऑडियंस ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी. ओ माय गॉड आगे क्या होगा, ओ माय गॉड आगे क्या होगा. ठीक है, एनी फिल्म, ओके लेट्स पिक एनी फिल्म दैट इन जिसके अंदर दुनिया ख़त्म हो रही है. ठीक है, यू माइट नॉट बी केयरिंग अबाउट द वर्ल्ड एंडिंग बट देर इज़ एन अंडरलाइंग सब टेक्स्ट स्टोरी गोइंग ऑन बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल हु इज़ इन लव और अ मदर हु वॉन्ट्स टू रीच आउट एंड इज लुकिंग फॉर हर लॉस्ट चाइल्ड और ऊपर से एस्ट्रॉइड आ रहा है. सो यू आर रूटिंग फॉर दैट कैरेक्टर बट यू आर नॉट टू मच इन्वॉल्व इन द एस्ट्रॉइड हिटिंग द अर्थ. लेकिन वो जो सब टेक्स्ट पे नीचे एक कहानी चल रही है, आपका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसके साथ होगा. देन यू गो ऑन टू सीन, एवरी सीन हैज़ सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट जिसको ये रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हेन द सन इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट फिल्म, अभी हमने आप मेरे ख्याल से नहीं थे उसमें, स्टार्टिंग हमने 5-10 मिनट उसके देखे हैं. The film is all about the son taking over the power, uske godfather ke Don Corleone ke. But he's very reluctant, wo karna nahi chahta. But when his father dies, ab uska baap mar gaya, stakes high ho gaya, wo badla lena chahta, revenge.
ठीक है. नाउ द टेंशन इज राइजिंग. दे किल्ड ऑफ हिज फादर. नाउ ही वॉन्ट्स टू गो एंड टेक रिवेंज. नाउ ही वॉन्ट्स टू टेक ओवर. फिर उसके भाई को भी मार देते हैं. ठीक है. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली द स्टेक्स आर राइजिंग एट एवरी स्टेप. दिस अगर स्टेक्स राइज आपके नहीं करेंगे, आपके पास राइजिंग टेंशन नहीं है, तो आपकी ऑडियंस उठ के बाहर चली जाएगी. इफ़ योर आर्क इज स्टैटिक, एक फ्लैट लाइन की तरह चल रहा है आपका, ठीक है, तो आपका ऑडियंस इज नॉट एंगेज. यू ऑलवेज नीड टू राइज, मेक द टेंशन राइज. Thank you so much for answering our queries and sharing your knowledge. Our second speaker for today is a senior lecturer in electronic media. He has worked as a producer and is associated with Pakistan National Television. His excellent skills in the field of media and his hard work has won him six PTV National Awards. He has written, produced and directed different films, short films, telefilms, plays, series, music videos, documentaries and dramas which have been broadcasted on national television. His association with PTV dates back to the late 90s, and there could be no better person to guide us in regard to script writing than him. Please welcome with applause Sir Shakeel Adnan. Assalamu alaikum Nazreen. Thank you for giving me a chance to deliver a lecture here. And I'm very grateful to Usman and the management also. And Akram Saab to bahut kuch bol gaye hain. Main dekh raha tha ki wo unhi topics ko discuss kar rahe the jo ki behal study kabhi bhi khatm nahi hoti. Khaas taur pe jab main yahan aa raha tha, so mere liye मैं सोच रहा था कि टॉपिक क्या रखूं, टॉक. सो आई हैव डिसाइडेड दैट इट शुड बी एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो कि थोड़ा सा हमें सोचने का मौका दे. तो टॉपिक मैंने रखा कि द रीजंस ऑफ एब्सेंस. थोड़ा सा मैं उसको मैं अपने स्पीच को वैसे नहीं रखूँगा जैसे अकरम साहब ने रखा. उन्होंने बहुत डेप्थ में आप लोगों को कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, करेक्टर के बारे में एंड ऑल द थिंग्स लाइक कॉन्फ्लिक्ट प्लॉट. अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो रह गई हैं, जो उन्होंने कर ली. बहुत अच्छा उन्होंने आपको समझाया. सो टॉपिक जो मैं लेके आया कि एब्सेंस ऑफ रीजन ऑफ एब्सेंस, सिंस आई थिंक 1964 पाकिस्तान टेलीविजन इज़ वर्किंग फॉर ड्रामा. आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा काम हुआ, लेकिन वो रेडियो ड्रामा था, रिटेरिक्स थे सारे के सारे. स्क्रीन प्ले अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम अभी तक इस स्क्रीन प्ले की शायद मेरे ख्याल पहली सीढ़ी तक नहीं आए. बिकॉज जब गौर करते हैं हम तो पास जो 70 ईयर्स हैं उसमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप देखें कि हमारी रिकग्निशन कहाँ है. एक गालिबन छोटी सी डॉक्यूमेंट्री जो कि शर्मीन ने बनाई और आप लोगों ने देखी होगी वो डॉक्यूमेंट्री, सब्जेक्ट के अतबार से भी और इवन जो क्वालिटी है उसकी वो भी क्वेश्चनेबल है कि क्या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऐसी क्वालिटी. चूँकि वो एक डॉक्यूफिक्शन था सो लोगों ने उसको रियलिस्टिक अप्रोच समझ के उसको माफ़ कर दिया. अदरवाइज जो क्वालिटी थी उसकी वो ऑडियो वीडियो बहुत क्वालिटी. इसी तरह आप देखिए कि आइस प्यार ने आज तक जितनी प्रोडक्शंस की और उनके पास जितना उनका जो पैराफर्नेलिया है कितना ह्यूज है, उनका बजट इतना स्ट्रॉन्ग, बड़ा अच्छा बजट, बड़ा लेविश किस्म का आपको एटमॉस्फेयर. मैंने क्योंकि खुद सर्व किया है आईएस पीआर की, बहुत सी प्रोडक्शंस की हैं, सो वो वाकई बहुत आपको बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं. इवन के चॉपर्स हैं या और बहुत सी चीज़ें, तो आपको अच्छा लगता है कि आप खुल के काम करते हैं.
लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये देखिए कि हमारी कोई भी मूवी जो आयुष प्यार की है या वो बेस करती है फोर्सेस के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर, वो इंटरनेशनल के ऊपर कहीं भी उसकी कोई रिकग्निशन नहीं होती। इतना खर्च करने के बावजूद उसके मुकाबले में आप देखिए कि अब आपको जो OTT जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ख़ासतौर पे नेटफ्लिक्स है या उस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर इंडियन मूवीज़ आ रही हैं और लो बजट के साथ आ रही हैं, मिनिमम करेक्टर्स के साथ। नरेटिव स्ट्रॉन्ग है, करेक्टराइजेशन बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, और बहुत अच्छी बात है वो ये कि अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी किस्म की। आपके पास जो इवेंट हैं, जो सीरीज ऑफ इवेंट हैं, करेक्टर, आप देखिए प्लॉट जो है, थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ प्लॉट को। व्हाट इज़ प्लॉट? प्लॉट इज़ अ टाइम लाइन ऑफ व्हाट द इवेंट एंड करेक्टर। कहाँ करेक्टर है और इवेंट किस जगह पर हो रहा है, वो एक टाइम लाइन के ऊपर आप एक ग्राफ बनाते हैं, जिसमें आप ये समझ लीजिए आपके नैरेटिव का टाइम एंड स्पेस जो है, दैट इज़ कॉल्ड द प्लॉट, और इट्स द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ योर इवेंट एंड योर करेक्टर। आप अपने किस करेक्टर को कहाँ प्लेस करते हैं और किस इवेंट को कहाँ प्लेस करते हैं, ये आप कहाँ डिसाइड करते हैं, आप प्लॉट में करते हैं। कहानी तो कुछ भी नहीं होती, स्टोरी कुछ नहीं होती। ओके, जो रीज़न ऑफ एब्सेंस है, जब आप थोड़ा सा गौर करते हैं तो आपको पता चलता है कि हमें प्रोडक्शन करने में बड़ी जल्दी होती है। जैसे ही कुछ सीख लेते हैं फ़ौरन कैमरा उठाते हैं और रवाना हो जाते हैं। ओह यूरिका है ना? सो नहीं कहना कि यूरिका, आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि नाले को थामे थोड़ा सा अपने अंदर कहीं, अपनी कहानी को रहने दें थोड़ी देर, वो खुद बाहर आएगी। हम जब ज़बरदस्ती करते हैं ना तो शायद हम सी सेक्शन कर देते हैं कहानी का। सॉरी, सी सेक्शन नहीं करना, उसको आप एक पीरियड के साथ छोड़ दें आप उसको, वो खुद अपने बर्थ के ऊपर आएगी कहानी। आप बीज वो देते हैं, यस, और आपको नहीं पता था कि कब कहानी ने जन्म ले लिया। सो इट्स नॉट आपके एफर्ट्स के ऊपर नहीं है कहानी। सो कहानी जब आ रही है और आ चुकी है कहानी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको एग्जीक्यूट करने। देखिए तीन प्रोसेसेस हैं। नंबर वन, किसी भी नैरेटिव को या स्टोरी को ले जाने के लिए, नंबर वन, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ योर स्टोरी, मेन क्वेश्चन। क्यों भाई, व्हाई, क्यों कहना चाह रहे हो, वाई, कोई चीज़ है आपके बैक ऑफ माइंड में, क्या चीज़ है? आप कोई रिफॉर्मर हैं, आप कोई प्रोपगेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, आप मनी मेकिंग के लिए बना रहे हैं चीज़ों को, मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव। देखिए इन मलामाल बनियात, जो भी काम आप करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं नीयत होती है, और आप यकीन करें कि वही चीज़ आपको बाद में जब आप लास्ट फ्रेम कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है। अच्छा, मैंने कई डायरेक्टर्स को देखे जो अपना एंड पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं या अपनी कहानी को बनाते ही अपने एंड से। सो जब मैंने थोड़ा सा तलाश किया कि यार रीज़न क्या है हमारा, तो रीज़न ये कि हमारा जो प्री प्रोडक्शन है, हम प्री प्रोडक्शन को मैच्योर नहीं होने देते। आप एग्जीक्यूशन की तरफ फौरन चले जाते हैं, जैसे ही हम मेरे साथ भी रहा शुरू में ऐसी कि स्क्रिप्ट आ गया तो हमने समझा कि बस जी प्रोडक्शन तो हो गई, तैयार हो गई। नो, नॉट एट ऑल। देखिए अगर आप देखें तो फर्स्ट ड्राफ्ट जो आपका होता है, जो राइटर आपको देता है, उसके बाद उसका सेकंड ड्राफ्ट होता है, उसके बाद थर्ड ड्राफ्ट होता है, उसके बाद फोर्थ, इवन फिफ्थ, फिर कहीं जाके आप डिटेल प्रोडक्शन स्क्रिप्ट को आप कंपाइल करते हैं। अदरवाइज देखिए द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले, यहाँ सिक्स आप समझे कि फेजेस हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ता है, जिसमें आपको एक एक डिटेल को देखना पड़ता है, एक एक फ्रेम को आपको देखना पड़ता है। आपको स्टोरी, आप देख लीजिए हमारी स्टोरी बोर्डिंग नहीं होती कभी भी, हम स्टोरी बोर्डिंग नहीं कर सकते,
बड़ी से बड़ी प्रोडक्शन आप देख लीजिए, इवन शोएब साहब के साथ मैंने काम किया, शोएब मंसूर साहब के साथ, आशिर के साथ धुआं मैंने किया, ठीक है, मालिक के लिए मैं गया, सो नथिंग, कोई स्टोरी बोर्ड नहीं था, हम अल्लाह के आसरे पे चलते हैं, बारिश होगी तो ठीक है, बड़ा अच्छा सीन हो जाएगा, ठीक है जी, सो नो, अब नहीं, अब आप लोगों के लिए नहीं, अब आप लोगों के पास नो कोई मार्जिन नहीं है, अब आप लोगों के पास 70 इयर्स गुजर गए बेटा, अब तो कहीं हाजिरी लगवा लो अपनी, क्यों नहीं लगा सकते, क्या आप मुझे बताइए एक प्रोडक्शन के ऊपर कितना खर्च आता है, जो लो बजट प्रोडक्शन है वो मिलियन में हो जाती है आराम से, क्या ज़रूरत है कि आप उसको लें, हुमायूं सईद को लें, आप खुद कर सकते हैं, आप यकीन करें मैंने जितनी भी प्रोडक्शंस की हैं, इर्तका है, धुआं है, शीला बाग, हमने हमेशा क्या किया कि हमने नए करेक्टर्स को लिया, एक दो हमने पुराने ले लिए और बाकी सारे नए लोगों को लिया, और इतना अच्छा काम करते हैं नए बच्चे हमारे, एक यूनिवर्सिटी थी उन्होंने मुझे कॉल किया कि जी एक अलहमद यूनिवर्सिटी क्वेटा की, तो उन्होंने कहा कि जी मैं ऐसे ही गया हुआ था विजिट पर क्वेटा, तो उन्होंने कहा कि सर वो एक कॉन्सर्ट हो रहा है ISPR का, तो उसके लिए एक आप 15 मिनट्स का एक, मैंने कहा यार 15 मिनट्स तो मुश्किल हो जाएगा, बड़ा जो लेंथ जिस काम की ज़्यादा हो उसको करना आसान होता है, जितना काम छोटा होता जाता है ना तो उतना मुश्किल हो जाता है, जैसे मैंने ओवर कोट किया आप लोगों ने शायद देखा हो गुलाम अब्बास का, 8 मिनट्स का था, PTV अकेडमी से किया था, तो जितना काम उसकी ड्यूरेशन लेंथ कम हो जाती है उतना आपके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको सब टेक्स्ट बढ़ जाता है, आपका बी रोल बढ़ जाता है, आपको खाली अपने डायलॉग्स पे नहीं वो करना पड़ता, क्योंकि डायलॉग ज़्यादा टाइम लेता है, फिर आप कैमरा ब्लॉकिंग नहीं कर सकते, करेक्टर ब्लॉकिंग नहीं कर सकते, आप जैसे जैसे आपकी ड्यूरेशन कम होती चली जाएगी तो आप ब्लॉकिंग निकालते चले जाएंगे, आप बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, सो ब्लॉकिंग क्या करती है, ब्लॉकिंग जो है वो आपकी ड्यूरेशन को बढ़ाती है, और अगर आप देखें तो अगर आप ब्लॉक नहीं करते हैं, व्हाट इज़ ब्लॉकिंग, क्यों हम करते हैं ब्लॉकिंग, कोई बताएगा आप में से, हम जो कहते हैं कि ब्लॉकिंग, कैमरा ब्लॉकिंग, करेक्टर ब्लॉकिंग, बताया वो क्या है, वो हम क्यों करते हैं, देखिए आपका क्यूब्रिक जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अगर आप देखें तो उसने मेजरसिन पर ज़्यादा काम किया, मेजरसिन क्या चीज़ है, मेजरसिन मेजरसन सर, नो नॉट स्टॉट एलिमेंट नहीं बेटा, आप देखिए आप एक गो में इसको हम लॉन्ग कट भी कहते हैं, आपने धुआं देखा हो शायद, उसकी पूरी की पूरी एनाटॉमी जो हमने डिज़ाइन की थी वो ये की थी कि मेजरसन होगा उसका, लॉन्ग कट्स होंगे, लॉन्ग कट्स का मतलब क्या है कि आप इंट्रोडक्शन जो है ना थ्रू कैमरा देते हैं और कैमरा मूव करता जाता है, करेक्टर इन होते चले जाते हैं, ठीक है, आप देखें क्यूब्रिक का जितना काम है सारे का सारा वो मेजरसन पे बेस करता है, अगर किसी बाज़ार में से आप गुजारेंगे कैमरे को और करेक्टर्स इन हो रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं और फ्रेम आउट हो रहे हैं और न्यू करेक्टर्स इंटर हो रहे हैं फ्रेम के अंदर और ड्यूरेशन आपकी फर्स्ट करें 20 मिनट्स है पूरे के पूरे एक कट की, लॉन्ग कट है आपका, इट्स कॉल्ड द मेजरसन। अच्छा मेजरसन के लिए होता क्या है कि आप इसको काट नहीं सकते कहीं से, अच्छा आपका ड्यूरेशन कंट्रोल कौन सी चीज़ करती है, आपको पता है एडिटिंग करती है, अगर आप एडिटेड वर्जन नहीं रख रहे हैं अपना और आप लॉन्ग टेक्स ले रहे तो फिर आप अपनी ड्यूरेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हाट इज़ प्लॉट, प्लॉट क्या चीज़ है, प्लॉट वो वाहिद चीज़ है आपकी 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 प्री प्रोडक्शन में जो आपकी प्रोडक्शन और आपके स्क्रिप्ट को कंट्रोल करता है, उसके टाइम को कंट्रोल करता है, आपका जो गिवन टाइम कंटेनर है दैट इज गिवन टाइम कंटेनर। एक नॉवेल है फर्ज करें वो 26 एपिसोड्स पे भी हो सकता है और एक नॉवेल जो है ना वो 20 मिनट्स के ऊपर भी हो सकता है, सो आप क्या करेंगे, आप उसके टाइमलाइन को उसके ऊपर तजुर्बा करेंगे, प्लॉट के ऊपर जाएंगे आप, सो
जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये कि जो प्री प्रोडक्शन है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो अपने क्लास में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो ये है कि प्लॉट, करेक्टर, जैसे कि सरकम ने बताया अभी और बड़ी डिटेल में उन्होंने बताया, और ख़ास तौर पर जो चीज़ उन्होंने बताई वो मैं ख़ुद डिस्कस करना चाह रहा था कि रीज़न ऑफ एब्सेंस जो है वो क्यों है। देखिए, हम अभी तक एंटैगनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट के चक्रों में पड़े हुए हैं, राइट? अगर आप मनी हाइस्ट देखते हैं, या आप इवन ब्रेकिंग बैड देखते हैं, या आप जोकर देखते हैं, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है करेक्टर का वो ग्रे स्केल के ऊपर है, ग्रे करेक्टर्स हैं सारे के सारे, ठीक है ना? चाहे प्रोफेसर है ब्रेकिंग बैड का, या ठीक है जी, आप देख लीजिए कि वो एक अलाउंस ह्यूमन एरर का, या एक आप जैसे अल्लाह ताला अलाउंस देता है इंसान को, क्या देता है? वो कहता है यार कोई बात नहीं, गुनाह कर लो, माफ़ी मांग लो, ठीक है? वो जो जिस तरह उन्होंने कहा ना कि जो करेक्टर आर्क है नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे जो सेवन्थ और एट्थ के हैं जिन्होंने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती कोई बात जो मैं कर रहा हूँ तो प्लीज़ क्वेश्चन कर लीजिएगा। सो करेक्टर आर्क, हम अभी तक करेक्टर डिज़ाइन नहीं कर सके हैं, दैट्स वाई हमारा जो एब्सेंस है उसकी जो मेन काज है वो ये है कि हम प्री प्रोडक्शन में हम टाइम नहीं लगाते बिल्कुल, चाहे सैयद नूर हो, चाहे इवन आपके शोएब मंसूर साहब हैं, या इवन आशिर। आशिर के साथ हुआ क्या? देखिए हम कहाँ, हम सीरियस ही नहीं हैं अपने काम में। आशिर मेरे पास मालिक का स्क्रिप्ट लेके आया, या इसको सीरियल करते हैं, मैं टेलीविज़न के जनरल मेजर के पास ले गया, मैंने कहा सर ये मैडम हम सीरियल करना चाह रहे हैं इसके ऊपर। उन्होंने कहा नहीं यार असल में फैमिली ओरिएंटेड है, सुल्ताना जो है ना वो फैमिली ओरिएंटेड काम करती है, तो वाई नॉट फैमिली पॉलिटिक्स के ऊपर काम करते हैं, ये एक्शन का जॉनरा पुराना हो गया, अब तुम कोई फैमिली ओरिएंटेड चीज़ दो। तो आशिर वापस ले गया उसको, क्योंकि सारे का सारा उसका जॉनरा ही अलग था, थ्रिलर और एक्शन था उसका, तो मैंने कहा यार ये तो इनकार हो गया। तो फिर हम एक 6 सितंबर को मेरा एक प्रोग्राम हो रहा था ISPR के साथ, तो हम लोग वहाँ गए, तो जनरल बाजवा साहब जो हैं, आसिम बाजवा साहब, उनसे मुलाकात हुई, और वहाँ हम बैठे जब, तो उन्होंने कहा हाँ भाई क्या कर रहे हो आजकल? तो उन्होंने कहा कि आशिर ने कहा कि सर मैंने एक सीरियल लिखा था और PTV को दिया, तो उन्होंने वापस कर दिया, तो मैं सोच रहा हूँ उसको क्या करूँ। तो उसने कहा ले आओ ISPR में ले आओ, तो ISPR में ले गए, तो बाद में हुआ ये हमने काफ़ी काम किया था उसके ऊपर, और उसके एक एक करेक्टर को हमने डिज़ाइन किया था। अब आपको पता है कि जो हमारी फ़ौज है, फ़ौज में काम करने का तरीका हमसे इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है जी? तो वो कोई साहब थे जो कि ब्रिगेडियर थे, उनको हमारे साथ अटैच कर दिया गया कि आप देखिए सारी चीज़ को, और आखिर में उन्होंने जो अपने मिनट्स दिए या अपने नोट्स दिए उसके ऊपर जो क्वेरीज लगाई, उन्होंने कहा कि ये सीरियल तो नहीं हो सकता, इसको फिल्म बना लें आप। अब हम अपना सर पीट रहे थे कि यार ये सीरियल हमने डिज़ाइन किया है, करेक्टर की स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप करेक्टर को अगर प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं तो आप उसको, आप उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो करेक्टराइजेशन है उसमें फिर आप थोड़ा सा उसको चिकी रखते हैं, थोड़ा सा फास्ट रखते हैं। अगर फोर्स करें कि हम नासिर काजमी का एक मिसरा ले लें और एक मिसरा आप इकबाल का ले लें या मीर का ले लें, तो अब एक वो जो शेर का क्या हशर होगा। सो बहरहाल वो पूरे का पूरा मालिक जो है वो बैठ गया, इसी वजह से बैठ गया कि हमने इम्पिट्यूट कर दिया उसको, जो इम्पिटिशन है ना वो तबाह कर देता है चीज़ों को। आप अगर अपने डेस्क के ऊपर इम्पिट्यूट नहीं करते हैं, और बाय द एंड जब आप एडिटिंग कर रहे हैं, जब आप अपनी चीज़ों को उस वक्त निकालते हैं, आप यकीन करें कि हम तमाम चीज़ों को तबाह कर देते हैं। या उसको एडिटिंग में देख लेंगे, पोस्ट में देख लेंगे, कोई बात नहीं है, लंबा हो गया हम छोटा कर देंगे, वाई? ये बड़ा मेथोडिकल काम है, और हम इसको बहुत आप समझे कि लापरवाही से करते हैं, इस वजह से हमारी कहीं रिकग्निशन नहीं हो रही है। अगर पोस्ट प्रोडक्शन के जो 3 फेजेज़ हैं जो मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चों को, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी दे दूँगा, हम अगर एम्फोसाइज नहीं करते हैं, अगर हम प्री प्रोडक्शन पे ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे तो कभी भी हम अच्छा काम नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, जो करेक्टराइजेशन है
आप देख लीजिए हम किस तरह के, अभी तक हम वहीं फंसे हुए, कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं है करेक्टर के बारे में, करेक्टर की कोई। अब आप देख लीजिए कि कितने खौफनाक किस्म के करेक्टर जनरेट कर रहे हैं वो लोग। एक फिल्म है पगलाहट गालबन मीमी है, उस तरह के और इंडियंस जो बना रहे हैं, शायद आप लोगों ने देखी हो ये फिल्में, ये मूवीज़ देखी हूँ आपने। मीमी को देखें, मीमी का आइडिया देखें कितना मतलब हिला देने वाला आइडिया है, लास्ट में बिल्कुल जहाँ पर वो अजय देवगन जो है ना कन्फेस करते हैं, देखा है मेरे ख्याल अजय देवगन था इसमें गालिबन है ना मीमी में, नहीं वो किस में है, वो देवगन होता है आखिर में अजय, हाँ नहीं नहीं हाँ देखिए ना। अब वो किस तरह से कंक्लूड करते हैं, जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान पानी जानी है यार। आपका एंड अगर कमाल का है, आप देख लीजिए जितनी बड़ी मूवीज़ हैं, जितनी भी शेक्सपियर इन थ्योरी में अगर आप देखें तो जो अलमिया है या जो ट्रेजेडी है वो बेस ही करती है उस नोट के ऊपर, जहाँ पर आप ले जाके अपने पूरे के पूरे करेक्टर को जो है ना आप ब्लास्ट करते हैं। एंडिंग जो है ना वो बहुत बहुत मायने रखती है। आप देख लीजिए इतनी बड़ी फिल्म नहीं है लेकिन बहरहाल प्राइवेट रायन की जो मूवी कहाँ से शुरू होती है, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन्होंने पूरी की पूरी फिल्म को रखा है। इसी तरह आप टाइटैनिक को देख लीजिए, उसका प्लॉट उन्होंने शुरू से ही उस तरह रखा है कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है चीज़ों को उन्होंने लिया, और कितना खूबसूरत ब्लेंड किया उन्होंने। सो आप अपनी टाइमलाइन को आगे पीछे कर सकते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड द प्लॉट डिवाइस। सो वॉट इज़ प्लॉट डिवाइस? आप प्लॉट के अंदर फ्लैश बैक है, इट्स प्लॉट डिवाइस, ठीक है जी। मैं गुफन है या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्लॉट में यूज़ होती हैं। आप प्लॉट को आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं, इट्स अ मैथमेटिक्स। अब कितनी अजीब और गरीब बात है कि प्लॉट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर आर्ट एंड साइंस आके ब्लेंड हो जाती है, और ये वो जगह है जहाँ पर अगर आपने थोड़ी सी भी अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो आपकी प्रोडक्शन कमाल की हो जाएगी। हम नहीं, हम दो जगहों पे हमेशा मार खाते हैं। देखिए स्क्रीन प्ले हम नहीं कर सकते, स्क्रीन प्ले आप जब तक आप अपने सब टेक्स्ट को नहीं आप नहीं समझेंगे कि सब टेक्स्ट क्या होता है, क्यों ज़रूरी है सब टेक्स्ट, हर चीज़ टेक्स्ट में नहीं होती, तमाम चीज़ें कही नहीं जाती, कुछ चीज़ें कैमरे पर छोड़ दी जाती हैं, कुछ चीज़ें मूवमेंट। देखिए आखिरी बात करूँगा उसके बाद फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन लूँगा। प्रोडक्शन को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, जब आप लिखते हैं तो उसको दो हिस्सों में आप डिवाइड कर लीजिए। नंबर वन आपका इंटरनल मोटिवेशन, और नंबर टू आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। स्क्रिप्ट तक आते आते आपका सारे का सारा इंटरनल मोटिवेशन है, और सब्जेक्टिव है आपकी स्क्रिप्ट की सब्जेक्टिव साइड, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल मोटिवेशन ऑफ योर स्क्रिप्ट और योर नैरेटिव। क्या है वो जो आपकी फिलॉसफीज हैं, वो जो कहीं आप वो चीज़ें जो कि आप बेस कर रहे हैं, जिनको आप लिखेंगे शायद लिखेंगे नहीं, वो स्क्रिप्ट में कहीं नज़र नहीं आएंगे। जैसे बस करें थीम है, थीम कहीं आपके स्क्रिप्ट में नज़र नहीं आएगा, ठीक है। साइनॉप्सिस आपको कहीं भी स्क्रिप्ट में नज़र नहीं आएंगे, कैरेक्टराइजेशन कहीं भी स्क्रिप्ट में नज़र नहीं आएगी, आपको दिखेगा वो परफॉर्म करेगा। सो वो चीज़ें जो कि सब्जेक्टिव हैं, जो कि आप किसी एक कमरे में बैठ के जिनको तय करते हैं, सोचते हैं, प्लॉट भी उनमें से एक ऐसी चीज़ है, इसका जो बेस है दैट इज सब्जेक्टिव। इसके लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये कोई टीम वर्क नहीं है। राइटर अपने डेस्क के ऊपर जो बैठ के काम करता है दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनल मोटिवेशन, और जब वो उसको ले कर बाहर आता है अपने क्रू के पास आता है, स्क्रिप्ट जैसे ही बाहर आता है तो होता क्या है, उसकी फर्स्ट कॉपी जो है वो डायरेक्टर के पास जाती है। डायरेक्टर क्या करता है वो कहता है कि यार इसको अब इसकी स्क्रीन प्ले कौन कन्वर्ट करेगा इसको। अब देखिए अजीब और गरीब बात है, हमारे यहाँ कभी भी नहीं होता, ये स्क्रिप्ट आ जाता है तो हम समझते हैं कि बस बिस्मिल्लाह काम शुरू हो गया, करिए आइए। तो आप अपने DOP को बुलाते हैं, अपने AD को बुलाते हैं, कहते हैं यार ये स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट का ब्रेक डाउन करता है, सेट्स निकालता है, ठीक है जी, स्केजुअल करता है, उसके बाद कहता है जी फलां तारीख से रिकॉर्डिंग है। अब मुझे बताइए कैसे मुमकिन है ये, अभी तक तो आपने उसको कन्वर्जन ही नहीं किया, उसको स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट ही नहीं किया आपने उसको।
आपने एक एक मूव को, एक एक शॉट को, जब तक आप डिसाइसिव हो के घर में बैठ के उसको डिज़ाइन नहीं करेंगे, उसकी स्टोरी बोर्डिंग नहीं करेंगे, कैमरा ब्लॉकिंग नहीं करेंगे, करेक्टर ब्लॉकिंग करनी है कि कैमरा ब्लॉकिंग करनी है आपने? देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क है कैमरा ब्लॉकिंग में और करेक्टर ब्लॉकिंग में। आप करेक्टर को मूव कर रहे हैं, इस ये एक अलग फिनोमेना है। अगर आप कैमरे को मूव कर रहे हैं, ये एक अलग फिनोमेना है, ठीक है जी। आप जूम कर रहे हैं और आप डॉली कर रहे हैं, डॉली इन कर रहे हैं, बज़ाहिर देखने में एक सी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप जूम करते हैं तो उसकी मीनिंग कुछ और हो जाती है। लेकिन जब आप डॉली इन करते हैं या क्रैप करते हैं आप, ठीक है, पैनिंग कर लीजिए आप, आपको स्क्रीन पर कुछ और मिलेगा, उसकी मीनिंग इंटरप्रिटेशन कुछ और हो जाएगी। देखिए बहुत डिटेल का काम है। हम आराम से एक जगह कैमरा रखे, यार यहाँ से जूम कर लो और स्लो जूम कर लो यार, हाँ ठीक है यार, वाई डॉली, डॉली के साथ जूम कर रहे हैं यूज़, तो फिर आपका आपके फ्रेम के ऊपर क्या असर पड़ रहा है उसका? कभी सोचा है उसके ऊपर कि फ्रेम के ऊपर क्या असर पड़ेगा? नो। कलर टेम्परेचर क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कलर टेम्परेचर? आप यकीन करें 80% लोग नहीं सोचते कि जब आप स्क्रीन प्ले कर रहे होते हैं, अच्छे स्क्रीन प्ले में कलर टेम्परेचर डिफाइंड होता है। मैट्रिक्स है आपका पूरे का पूरा ग्रीन है, ग्रीन टेंटेड है। इसी तरह आप एविटार को देख लीजिए, ब्लू ओवरकास्ट हुआ है, हाई कलर टेम्परेचर के साथ शूट हुआ है। वाई ग्रीन? क्यों कलर टेम्परेचर उन्होंने वेरी किया? और इस तरह से वेरी किया कि आपका जो आपकी जो फ्लैश टोन है वो चेंज नहीं हुई करेक्टर्स की। काला काला नज़र आ रहा है, ग्रीन नहीं हुआ, वो गोरा गोरा नज़र आ रहा है, वो उसके चेहरे के ऊपर फर्क नहीं पड़ा। सो कलर टेम्परेचर क्या, किस चिड़िया का नाम है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, वाई, व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ कलर इन योर प्रोडक्शन? क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है? है, यस। फिर उसके बाद साउंड है, इतना बुरा साउंड हमारा होता है। आप सिर्फ ADR करने के लिए यहाँ से चीज़ों को बाहर भिजवाते हैं कि उसका ADR बाहर से कहीं से करवा लें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इतना फाइन काम करने वाले लोग नहीं हैं। अब बताइए। सो बच्चों, आप लोग जो हैं, आप उम्मीद हो कल की कि डिटेल वर्क करिए, प्लीज़ जल्दी मत करिए। ज़िंदगी में दो ड्रामे, दो फिल्में काफ़ी हैं आपके लिए, यकीन करें आप सारी ज़िंदगी बैठ के खा सकते हैं। जितने बड़े डायरेक्टर्स हैं, आप बताइए किसने हज़ारों की तादाद में बनाया, एक एक कपोला के पास क्या है? कपोला के पास सिवाय गॉडफादर के और क्या है? कुछ भी नहीं। क्या बनाया उसने? कैमरून के पास क्या है? ठीक है, दो दो मूवीज़ हैं, एक एक मूवीज़ हैं। इतना बड़ा नाम है स्पीलबर्ग, आप मुझे बताइए कौन सी शिंडलर लिस्ट के अलावा कौन सी मूवी उसकी है जिसको आप किसी लिस्ट में रखें जो बड़ा काम है? ठीक है, इसी तरह पुरानी मूवीज़ में अगर आप देख लेते हैं तो हर डायरेक्टर ने एक ही काम किया है। आप एक काम अच्छा कर लीजिए, दैट्स इनफ आई थिंक। लेकिन कहीं रिकग्निशन तो हो यार, पता चले पाकिस्तान की प्रोडक्शन आई है, यार ये पाकिस्तानियों का काम है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, बिल्कुल लास्ट, उसके बाद मैं कंक्लूड करता हूँ। देखिए पाकिस्तान बना क्यों और पाकिस्तान बनने का से हुआ क्या? आज इंडिया और पाकिस्तान, हम टू नेशन थ्योरी के ऊपर बात करते हैं कि टू नेशन थ्योरी, भाई ये है क्या, किस चिड़िया का नाम है? क्या हुआ पाकिस्तान में? ये आप लोग जो बैठे हैं ना, आप यकीन करें अगर कोई भी एंथ्रोपोलॉजी का कोई बहुत बड़ा अगर मास्टर होगा ना, वो आप लोगों को जब जज करेगा, जब आप लोगों को आपके इवन कि आपके DNA से पता चल जाएगा कि आप और इंडियंस में बहुत फ़र्क है। देखिए यहाँ क्रॉस मैरिजेस हुई हैं और यहाँ से हमारा वेस्ट खुला हुआ है, बंद नहीं है, इंडिया बंद है। ये आपका सेंट्रल एशिया है, अफगानिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, खुरासान है, ईरान है, हमारा पूरा का पूरा वेस्ट साइड खुला हुआ है। और इतना बड़ा आपको एक जिसको कहते हैं ताज़ा हवा मिलना, आपकी जेनेटिक्स में कितनी तब्दीलियाँ हुई हैं आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। 70 ईयर्स में इंडियंस वहीं खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, लोग हैं, देखिए मेरी अपनी खुद बीवी जो है, मेरा भाई जो है उसकी बीवी बलोच है, ठीक है, और मेरी बीवी पठान है, राइट, हमारा दूसरा भाई उसकी बीवी पंजाबी है,
अजीब गरीब मामला, ठीक है जी। सो हमारा जो अब जो हमारी जो गैलेक्सी बन रही है, ठीक है, वो इंटायरली डिफरेंट लोग हैं। वो इतने छोटे दिमाग के नहीं हैं, यकीन करें, वो बड़े वसी दिमाग के हैं। उनमें वो जो खून आया ना, जो सोच आई, जो फिक्र आई, वो बलोच भी हैं, वो पठान भी हैं, वो पंजाबी भी हैं। वो एक, आप यकीन करें कि एक अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को रिफाइंड किस्म के लोग दिए। आप लोग बहुत रिफाइंड लोग हैं, आप यकीन करें, आपको भी आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि पाकिस्तानी कितने रिफाइंड लोग हैं। सिर्फ दो तीन चीज़ें हैं। नंबर एक, झूठ ना बोलें। अगर हम झूठ बोलते हैं, और आर्टिस्ट कभी झूठ नहीं बोलता, मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ झूठ ना बोलें, बदयांती ना करें। बस दो चीज़ें, ना अपने आप से ना बाहर। आपकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी होगी। मेरी दुआ है आप लोगों को, अल्लाह ताला आप लोग आगे। पिछली जो मेरी क्लास थी BS 7, आई एम प्राउड ऑफ दैट क्लास, दैट स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी स्टूडेंट्स थे हमारे। और उसमें से मुझे बाज़ औक़ात खुद उनके जब आंसर शीट जब मैं पढ़ता था तो डेफिनेशंस देख के मुझे बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर पर मैंने ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया कि ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंट लिखना सीखो बेटा, क्योंकि आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर जाना है, अपने आप को पिच करना है, तो आप लोगों को यही मैं कहूँगा कि ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंट लिखना, उसको कैसे पिच करना है आपने। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप, बड़ा अच्छा आइडिया है आपका, लेकिन आप उसको पिच नहीं कर सकते तो आप कहीं भी रिकग्निशन नहीं हो सकती आपकी। तो ये देख लीजिए कि आप अपना ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंट कैसे, ट्रीटमेंट में होता क्या है। आप में से मेरा कोई स्टूडेंट है यहाँ पर पिछली क्लास का? है नहीं, कोई नहीं। ये सारे जो हैं आप लोग कहाँ से, मतलब कौन सी क्लास के बेटे आप? अच्छा, दूसरे उससे भी हैं बच्चे, राइट। सो ट्रीटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जब आप अपने आइडिया को कहीं पिच करते हैं तो इसमें आप अपना प्लॉट देते हैं, क्रेडिट्स देते हैं, सिनॉप्सिस देते हैं, ब्रीफ उसकी, और द वर्ल्ड ऑफ द स्टोरी जो है आपकी उसको डिफाइन करते हैं। सो ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर आप लोग थोड़ा सा देखिए, अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है तो उसकी प्रेजेंटेशन जहाँ भी आप उसको भेजें तो अच्छी होनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, दैट इज़ बजट ऑफ योर प्रोडक्शन। सो खाली पैसा जो है बजट में नहीं आता, आपका वक्त भी बहुत कीमती है, जो प्रोडक्शन का वक्त है वो भी बहुत कीमती है। सो दोनों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और जब आप बजटिंग करें तो ये देख लें कि यार ये पैसा किसी का है और किसी ने बड़ी मेहनत से कमाया होगा। और जिस तरह से हम अपनी लैविश प्रोडक्शंस में चीज़ों को, पैसों को ज़ाया करते हैं, प्लीज़ यार पैसे कम खर्च करें, अच्छा काम करें। थैंक यू। द प्रेसिडेंट ऑफ आर्ट्स एंड ड्रामेटिक्स क्लब मरियम जमशेद टू कम ऑन स्टेज एंड से अ फ्यू वर्ड्स। सब स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए हम लोगों ने अरेंज किया था, बिकॉज हम लोग काफ़ी टाइम से देख रहे थे कि हम लोग प्लेस का किरदाना चाह रहे थे बट हमारे स्क्रिप्ट्स प्रॉपरली नहीं आ रही थी। बट इस वर्कशॉप के बाद आई एम श्योर कि हमारे पास काफ़ी सी स्क्रिप्ट भी आएंगी, आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने का भी मौका मिला होगा। कुछ सीख के गए हो आप लोग यहाँ से सारे? यस। तो फिर एंड आई एम श्योर सर शकील एंड सर अक्रम यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेम्बर्स हैं, तो कभी भी आप लोगों को जरूरत पड़े उनसे भी दोबारा रब्ता कर सकते हैं एवरीथिंग। एंड टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू कॉल सर आदिल हाशमी, मैनेजर स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर। Assalamu alaikum everyone. First of all, I would like to greatly thank both the faculty members and the guest speakers for taking our time and, you know, sharing their experiences with the students. I'm sorry sir, due to the orientation I missed this out, when it was a very interesting the part that I heard, and it was very motivating to our students. I'd just like to, you know, start from there and just like to add to it. Main sirf ye add karna chahunga ke इन्होंने एक जो बात की कि कमर्शियलिज्म में, और जो हम बात करते हैं कि जी क्वालिटी कंटेंट एंड डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल कंटेंट, आई हैव बीन पार्शली इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन माई सेल्फ बिफोर जॉइनिंग वेरी एज वेल,
But that's the main thing, and I think in the future, what you should be focusing at is कि आपने किस हद तक commercial रखना काम और किस हद तक quality product. जिसने सर ने कहा, I couldn't agree more. We are just focusing on money making and fame, short fame. ठीक है ना? And although I'm not उस इतना वो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप 60s, 70s के वो देखें, this was before I was born, लेकिन ये कि आप उनके shows निकाल के देखें, drama देखें, quality content. आपको लगता था कि पढ़े लिखों ने कोई इसका वो किया है. ग्रेट्स लाइक आई मीन आप कोई जो मैंने भी देखा, आप लोग भी फिल्म शोएब मंसूर, कुछ चीज़ें आप निकालें उसकी तो आपको पता चलता है क्वालिटी कंटेंट है क्या. यू टेक आउट प्लेस लाइक सर आपको पता होगा जैसे तन्हाइयाँ और इस तरह के जो पुराने, एंड देयर नॉट ओनली फेमस इन दिस रीजन, देयर फेमस वर्ल्ड ओवर. जिस तरह सर ने कहा कि कॉन्टेंट अगर किसी और उसका लैंग्वेज का भी हो तो आई बिलीव सो, कि जिस तरह ओशीन एक चलता था PTV पे, इट वॉज इन सब टाइटल्स, वी वर वॉचिंग इट. आई हैव सीन वो जो काइट रनर जिसने सर ने कहा, वो सब टाइट दे आर सो इंटरेस्टिंग. कई दफ़ा जर्मन में होता है, किसी और लैंग्वेज, फ्रेंच में, बट द कॉन्टेंट इज सो रिच एंड द मैसेज इज सो ग्रेट दैट यू एंड अप व्यूइंग दैट. ठीक है, एंड यू डिवेलप दैट इंटरेस्ट, वरना अदरवाइज यू सी, एंड आई फील इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, आई थिंक एवरीवेयर वी आर अ बिट मोर कमर्शियल. अब ये इसमें अभी जो लेटेस्ट ऑस्कर्स में होता है, आपने वो भी देखा होगा कि दिस सेट के ऑल इज फोकस्ड ऑन CGI. जो मार्वल की सारे हैं उसमें ऑफ कोर्स वो इट इज़ अपीलिंग टू वॉच एक्शन और आपका थ्रिलर वगैरह, बट इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट यू कॉल एक्शन इफेक्ट्स सारे हुए. नॉट जस्ट इसमें मैं कहूँगा, बल्कि मैं ये भी कहूँगा, इवन म्यूजिक आप उठा के देख लें, द लिरिक्स, द क्वालिटी, द एफर्ट दैट दे पुट इन कंपोजिंग दैट म्यूजिक इज गोइंग. आपको सारा जो कहते हैं ना प्रोसेस्ड म्यूजिक आजकल सुन रहे हो, नो ऑफेंस अगर आज कोई प्ले कर रहा है, लेकिन आप देखें जो पुराना कॉन्टेंट था, लिरिक्स हैड अ मीनिंग, द वीडियो दैट वॉज मेड हैड अ मीनिंग टू इट, एंड इट हैड अ ग्रेटर मैसेज, बी इट ए पेट्रियाटिक सॉन्ग, बी इट ए लेट्स से लव सॉन्ग. ठीक है ना, आप आज निकाल के देख लें, इट्स ऑल सिंथेसाइजर पे, कमर्शियल पे आप बना के देखें. सो सर की बात और जो उन्होंने पहले जिस तरह कहा, आई थिंक देर इज मच मोर टू इट. डू इट विद योर हार्ट. ठीक है ना, yes money is important to an extent, but in pursuit of that money, theek hai na, don't forget what your heart tells you to do. Do something what makes you happy in afterwards. I'm sure sir this with his vast experience, he's teaching. Why is he teaching? Because this is what makes us. I am a faculty member as well, and when I teach with whatever, of course sir jitna experience to nahi hai, but I feel good. ठीक है ना, कि यार अगर जो एक्सपीरियंस है, आई विल फील इवन ग्रेटर व्हेन यू गाइस एंटर द मार्केट एंड डू समथिंग गुड. ठीक है ना, सो आई नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट इन शॉर्ट आई जस्ट से कि फॉलो योर हार्ट एंड परसू फॉर समथिंग ग्रेटर, सो दैट आप बजाय इसके ये ना कहें कि यार चेक बैलेंस में यार इतने पैसे आ गए, ये आ गए. एंड सर इज एब्सोल्यूट राइट, दैट्स आई थिंक वेयर our country particularly and the rest of the world is going wrong. Focus on kya aapko usko return kya, what sort of message are you giving. Theek hai na, and I think again main yahi shukr inka sar ka shukr guzar hu ke is tarah ke hamare paas script writers to you know actually align your thoughts, align back to greater script writing. Theek hai, so I would again request sir and I think the other faculty member as well to please take out time, and this is exactly what the main domain of the student resource center is. We want to provide a platform jisme aap, of course media studies se zyada log hain inka main discipline hai, but there are other students from different departments. Maryam on being I remember she was in the first semester and we thought ke hum log usko UCP mein gaye the, so I wo jo us waqt ka president hai, maine kaha yaar ye काम ख़राब ना हो जाए, बट शी हैड दैट रॉ टैलेंट कि इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था. ठीक है, एंड वे वेरी क्लोज टू विनिंग दैट इवेंट, एंड सरप्राइज अपीयरेंस थी इसकी फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट. ठीक है, अच्छा शी इज़ फ्रॉम द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट. ठीक है, सो मैनी ऑफ यू, हाउ मैनी ऑफ यू आर फ्रॉम द मीडिया डिपार्टमेंट. ठीक है ना, तो आप लोगों का तो बिल्कुल ये वो है, लेकिन एनी हुएवर एल्स इज सिटिंग हियर, दे ऑल्सो हैव अ पोटेंशियल टू डू दिस. मैंने मरियम को कहा था कि जी जिस तरह ये हैं, आई गेस बाकी भी हमारे वो थे इससे पहले, सलमान थे प्रेजिडेंट, बाकी और बड़े ब्रिलियंट होते हैं. ठीक है ना, सो दे हैव एक्चुअली वेंचर्ड इन टू एरियाज यहाँ पे वो इसको कर सकते हैं.
सो हमारा जो सर ने भी और सारों ने हाईलाइट किया था, आई थिंक इट्स नॉट अबाउट गेटिंग द कंटेंट आउट, गेटिंग अ नेम फॉर योरसेल्फ, इट्स अबाउट गेटिंग गुड एक्रेडिटेशन, गेटिंग आउट गुड क्वालिटी वर्क, जिसके बाद आप कम अज़ कम उस पर हो सकें कि आपकी बात हो सके और लोग भी खुश हों कि यार ये ओ यार ये हमारा क्लास फेलो था, ही डिड समथिंग ग्रेट. ठीक है, ओ यार वी न्यू हिम, ही वॉज आई कुड से ही वॉज अ क्लब मेम्बर ऑफ आर वन ऑफ आर क्लब्स, सर कैन ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ माइन. सो डू एनी थिंग जिसके बेसिस पे आपके घर वाले भी प्राउड हो, फैमिली प्राउड हो. और नो ऑफेंस, आई थिंक जैसे हम कह रहे हैं ना टिकटॉक आप देखें देर इन द मीडिया फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन्स, आई डोंट नीड टू गेट इन टू डिटेल्स. ठीक है ना, डू एनी थिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और क्वालिटी कॉन्टेंट जो भी आप कर रहे हो, डू इट फॉर द ग्रेटर गुड फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज एंड फॉर एग्जाम्पल फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ठीक है, सो ऑन दैट आई नॉट टेक मच ऑफ द टाइम. ठीक है, आई लीव द प्रेजेंटेशन. सो थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड पर्टिकुलरली सर फॉर यू नो गिविंग दिस आंसर, फॉर गिविंग आउट दिस ट्रिमेंडस लेक्चर एंड टेकिंग आउट टाइम. ठीक है, वी होप कि इस प्लेटफॉर्म से वी विल हैव ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज, greater opportunities to, you know, at which they can actually share their experiences to you guys. Theek hai, so thank you for you all for making it, and of course sir, once again thank you.